ओ मेरा ओ मेरा नाम धृति आर्या है। मैं पाणिनि कन्या महाविद्यालय की छात्रा हूँ। नाम आप बताइए। स्वर्णा आर्या है। मैं पाणिनि कन्या महाविद्यालय की छात्रा हूँ। अथ संगठन सूक्तम् ओ समिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्या इडस्परे समिध्यसे सनुवसून्याभरा संगच्छध्वंसं वरध्वंसं वो मनांसि जानताम् देवा भागैयथा पूर्वी संजानाना उपासते अथ घनपाठः संगच्छध्वंसं वदध्वं वदध्वं जानतामिति जानताम् देवा भागं भागं देवा देवा भागं यथा यथा भागं देवा देवा भागं यथा भागं यथा यथा भागं भागं यथा पूर्वी पूर्वी यथा भागं भागं यथा पूर्वी यथा पूर्वी पूर्वी यथा यथा पूर्वी संजानाना संजानाना पूर्वी यथा यथा पूर्वी संजानाः पूर्वी संजानाना संजानाना पूर्वी पूर्वी संजानाना उपासत उपासते संजानाना पूर्वी पूर्वी संजानाना उपासते संजानाना उपासत उपासते संजानाना संजानाना उपासते उपासत इत्युपा आसते इति घनपाठः। नमः सर्वेभ्यः सर्वाभ्यः International Conference on Dayananda and His Legacy. We are entering into the third academic session now, and we had a beautiful start with this Vedic chanting from the students of Panini Kanya Vidyalaya, Varanasi. And this, of course, is a legacy of Dayananda. Kyunki Ved Paath ka adhikar Maharshi Dayananda ne hi striyon ko diya. और ये उसका सुंदर निदर्शन है कि आज ये कन्याएं सस्वर पाठ करती हैं, भारत में ही नहीं विदेशों में भी जाकर ये वेद का घोष गुंजायमान करती रहती हैं। हमारे अगले आज के प्रथम वक्ता और इस श्रृंखला के अगले वक्ता प्रोफेसर कमलेश कुमार चोकसी जी हैं। विद्वत जनों के लिए वे सुपरिचित हैं, लेकिन आप जैसे लोग जो अभी उनसे मिल रहे होंगे, आप अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ के भाषा साहित्य भवन में अध्यक्ष एवं प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और आपने अनेक लेख पुस्तकें लिखी हैं और अनेक कार्यों पर अनेक विषयों पर पीएचडी के लिए आपने संशोधन के लिए मार्गदर्शन भी किया है। संस्कृत पाठ्यक्रम बनाने में आपने अनेक प्रकार के सहयोग किए हैं
ग्रंथ लेखन में 20 से भी अधिक ग्रंथों का संपादन, अनुवाद और प्रकाशन कर चुके हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन से अनेक वार्ताएं प्रसारित कर चुके हैं। अनेक पुरस्कारों से अलंकृत हो चुके हैं। श्री बृहद गुजरात संस्कृत परिषद अहमदाबाद के द्वारा सुवर्ण चंद्रक प्रदान किया गया 1985, गुजरात राज्य यूनिवर्सिटी और कॉलेज संस्कृत अध्यापक मंडल अहमदाबाद के अधिवेशनों में अनेक पुरस्कार प्राप्त किए। हरिओम आश्रम प्रेरित भाई काका इंदर यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी शोध पत्र पुरस्कार भी आपको प्राप्त हुआ। वेद और संस्कृत के प्रचारक के रूप में आर्य समाज सांता क्रूज मुंबई द्वारा वेदोपदेशक पुरस्कार, श्रीमती परोपकारिणी सभा अजमेर के द्वारा ऋषि मेले के अवसर पर 2013 में वेदोपदेशक तथा पौरोहित्य के लिए आपको पुरस्कृत किया गया। दिल्ली सरकार की स्वायत्त संस्था दिल्ली संस्कृत अकादमी नई दिल्ली की ओर से वर्ष 2014 में संस्कृत सेवा सम्मान मिला और उस समय मैं दिल्ली संस्कृत अकादमी में कार्यरत थी। डीएवी स्कूल कमिटी नई दिल्ली के द्वारा माननीय आचार्य देवव्रत जी महामहिम राज्यपाल गुजरात के हाथों आपको प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ। कांची कामकोटि पीठ के द्वारा वर्ष 2006 में सम्मान पत्र प्राप्त हुआ। वीर शासनम मुंबई का सम्मान आप पा चुके हैं। आर्य समाज कांकरवाड़ी मुंबई की ओर से वेदोपदेशक पुरस्कार मिला और प्रोफेसर विक्रम सिंह ठाकुर ट्रस्ट नई दिल्ली की ओर से भी आपको सम्मानित किया गया। विदेशों में न्यूयॉर्क और शिकागो में भी आप जाकर वेद प्रचार कर चुके हैं। फरवरी मास में अभी कुछ ही 2 महीने पहले मैंने दिल्ली में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी की थी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में, जिसका विषय था वेद और स्वामी दयानंद। तब मैंने आपको विषय दिया था गो करुणा निधि और महर्षि दयानंद का आर्थिक चिंतन, और आपने बहुत ही सुंदर पत्र हमारी आशाओं से भी बढ़कर उसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला था। वहीं मैंने आपसे निवेदन उसी समय कर दिया था कि आपको अगला पत्र आर्याभिविनय पर तैयार करना है, तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ महर्षि दयानंद कृत आर्याभिविनय। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। इस संस्थान के समादरणीय प्रोफेसर डॉक्टर शशि प्रभार कुमार जी, जिनके कुशल नेतृत्व में ये अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई है, हमारे बीच में उपस्थित सभी विद्वानों को नाम संकीर्तन से स्मरण करके उनको वंदन करके सीधा ही मैं अपने विषय पर आता हूं। मुझे विषय दिया गया है आर्याभिविनय पर कुछ बोलने का। हमारी संगोष्ठी का विषय है स्वामी दयानंद की विरासत। ये विरासत के बहुत सारे प्रवाह हैं, उसमें सबसे ज्यादा सूखा हुआ प्रवाह यदि कोई है तो वो है स्वामी दयानंद की भक्ति की विरासत। क्योंकि सत्यप्रकाश आदि ग्रंथ के प्रचार प्रसार से लोगों ने पता नहीं क्यों ये मान्यता बना दी
कि स्वामी दयानंद नास्तिक थे, आर्य समाज भी नास्तिक है, ये ईश्वर को नहीं मानते, और एक महत्व की बात कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने सामाजिक सुधार के, वेदार्थ घटन के, पठन पाठन व्यवस्था के ऐसे कई अनेक कार्य जो किए, उसमें एक कार्य भक्ति संप्रदाय को वास्तविक स्वरूप में, वैदिक स्वरूप में प्रस्तुत करने का कार्य भी किया, पर दुर्भाग्य से इस कार्य को हम उतना जनमानस में प्रस्थापित नहीं कर सके जितना पारदर्शी, सरल और ईश्वर के सच्चे भक्त बनाने का, सच्ची भक्ति का मार्गदर्शन हमें स्वामी दयानंद की इस विरासत में प्राप्त होता है। मैं अत्यंत संक्षेप से आर्याभिविनय को माध्यम बना करके अपनी बात रखना चाहता था, पर जब स्वाध्याय किया तो इस प्रस्तुति की तीन शाखाएं प्रकट हुई हैं, अर्थात मुझे इस संदर्भ में तीन लेख तैयार करने हैं। उसमें से एक तो मैंने तैयार करके दे ही दिया है, एक लेख मैं तैयार करूंगा इसके नामकरण पर। स्वामी दयानंद की जो अन्य कृतियां हैं, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, गौ करुणा निधि, वेदांग प्रकाश इत्यादि, इन कृतियों के संज्ञाकरण का कोई न कोई पूर्व संदर्भ हमको मिल सकता है ढूंढने पर। साहित्य में हम हायरर क्रिटिसिज्म का एक कॉन्सेप्ट रखते हैं कि कोई भी कवि किसी बात को आकारित करता है तो कहीं न कहीं उसका कोई न कोई मूल होता ही है। ना मूलम लिख्यते किंचित, बिना किसी जगह से प्रेरणा लिए हुए, बिना कहीं से छाया लिए हुए हम कुछ सोच नहीं सकते। इस संदर्भ में एक विनय पत्रिका का नाम हम विनय के रूप में सुनते हैं, पर विनय के आगे अभी लगाना और आर्य के साथ उसको जोड़ना, इस संज्ञाकरण के पीछे भी स्वामी दयानंद की एक विशेष प्रकार की भक्ति परंपरा, भक्ति की विरासत छिपी हुई है, उसको मैं एक लेख में उजागर करूंगा। दूसरा, आर्याभिविनय हमें वेदार्थ घटन की प्रक्रिया के सूत्र भी देता है। यदि हम आर्याभिविनय के ग्रंथ को, आर्याभिविनय ग्रंथ को इस दृष्टि से पढ़ते हैं तो स्वामी दयानंद ने जो वेदार्थ घटन किया, उस वेदार्थ घटन की प्रक्रिया, उसमें हमें क्या क्या करना होता है, क्या क्या करना चाहिए, ये सारी बातें मार्गदर्शक के रूप में प्राप्त होती है। इसलिए मैं एक लेख यह भी करूंगा, पर आज मुझे जो विषय प्रस्तुति करनी है वो है इस ग्रंथ के जो उद्देश्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने इस ग्रंथ के प्रारंभ में उपक्रमणिका के नाम से रखे हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति कैसे करते हैं। चार उद्देश्य स्वामी जी ने रखे हैं, उसमें से उनका वचन है ये, इस ग्रंथ से
मनुष्यों को ईश्वर का स्वरूप ज्ञान और भक्ति, धर्मनिष्ठा, व्यवहार शुद्धि इत्यादि प्रयोजन सिद्ध होंगे। तो ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान कराना इस ग्रंथ का उद्देश्य है, भक्ति का ज्ञान कराना, भक्ति के स्वरूप का ज्ञान कराना इस ग्रंथ का उल्लेख उद्देश्य है, भक्ति करने वाले व्यक्ति में धर्मनिष्ठा कैसे प्रस्थापित हो ये इस ग्रंथ का उद्देश्य है, और अंत में व्यवहार शुद्धि कैसे हो इस उद्देश्य को इस ग्रंथ के द्वारा प्रपूरित करने का उपक्रम किया है। सबसे पहला उद्देश्य बताया और इस उद्देश्य को तो उन्होंने 3 बार रिपीट किया है, ब्रह्म ज्ञानाय, ब्रह्म के ज्ञान के लिए यह ग्रंथ है। दूसरे बार भी उन्होंने उसी उपक्रमणिका में ईश्वर के ज्ञान के लिए लोगों के कहने पर मैंने इस ग्रंथ को बनाया ये बात कही है, और उपक्रमणिका के उपसंहार में इस हिंदी वाक्य को जिसे मैंने आपके सामने रखा कहा है। अब एक प्रश्न है कि आर्याभिविनय के द्वारा ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा। मैं इस बात को इस तरह से रखना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति के परिचय के लिए 5 वस्तुएं अपेक्षित होती है, नाम, गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ। एक मनुष्य के रूप में हम किसी को जानना चाहते हैं तो पहले तो उसके नाम का पता होना चाहिए, फिर वो परिचय गाढ़ तब होता है जब उसके गुणों का परिचय हो, उसके कर्मों का परिचय हो, उसके स्वभाव का भी परिचय हो और उसके पदार्थ का भी परिचय हो। तो पहली बात सार रूप में मुझे ये कहनी है कि आर्याभिविनय के अंदर लगभग 101 मंत्रों के व्याख्यान के द्वारा स्वामी जी ने ईश्वर के गुणों का परिचय करवाया, ईश्वर के कर्मों का परिचय करवाया, ईश्वर के स्वभाव का भी परिचय करवाया और ईश्वर के पदार्थ का भी परिचय करवाया। ये 4 प्रकार के परिचय की पृष्ठभूमि में नाम से परिचय उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में करा दिया है कि ईश्वर का नाम ओम है। उसके गुण क्या क्या हैं? इसके लिए हम उदाहरण के रूप में आर्याभिविनय की मंगलाचरण की बात पूरी हो जाने के बाद ऋग्वेद का 1 मंत्र स्वामी जी ने रखा और उसका व्याख्यान किया। इस व्याख्यान में स्वामी जी ने ईश्वर के गुणों का निर्देश करते हुए सब मनुष्यों के पूज्यतम, ज्ञान यज्ञादि के लिए कमनीयतम और सर्वशक्तिमान, इन 3 गुणों का निर्देश किया। ईश्वर के कर्मों का निर्देश करते हुए सब जगत के हित को सिद्ध करना, वसंत आदि ऋतुओं की रचना करना, सब जगत के लिए समस्त योग और क्षेम को देना, प्रलय समय में कारण में सब जगत का होम करना, रत्न अर्थात रमणीय पृथ्वी आदि को धारण करना और उनकी रचना करना, ये 6 कर्मों का परिचय कराया। बीच में रुक करके मैं यह भी निवेदन कर दूं कि स्वामी जी ने बहुत शीघ्रता से अपनी बात को रखा है, इसलिए अभिव्यक्ति में थोड़ी शिथिलता दिखाई देती है,
इस शिथिलता को दूर करके स्वामी जी के व्याख्यान के व्याख्यान की भी जरूरत है, अथवा भाष्य की या विस्तार की जरूरत है, वो भी कभी करेंगे। ईश्वर का परिचय कराते हुए इसी मंत्र के व्याख्यान में स्वामी जी ने कुछ बात कही है। पहले मैं अपनी बात कह दूं, फिर उसके संदर्भ में एक स्पष्टता भी करनी है। सब जगत के हित को साधने का स्वभाव, जिस समय जैसा सुख चाहिए उस समय वैसे सुख के संपादन करने का स्वभाव, सब जगत को समस्त योग और क्षेम को देने का स्वभाव, प्रलय समय में कारण में सब जगत के होम करने का स्वभाव, रमणीय पृथ्व्यादिकों के धारण करने तथा इनकी रचना करने का स्वभाव, और अपने सेवकों के लिए रत्नों को धारण करने का स्वभाव, इत्यादि रूप से ईश्वर के स्वभाव का परिचय करवाया है। देखिए, कर्म और स्वभाव में क्या फर्क हो सकता है? क्रोध करना कर्म है, पर जो व्यक्ति वारंवार क्रोध करता रहता है तब क्रोध करना उसका स्वभाव बन जाता है। तो यथापूर्वम अकल्पयत कह करके जिन जिन कर्मों को ईश्वर सातत्य पूर्ण रूप से कर रहे हैं वो ईश्वर का स्वभाव बन गया है। उसको हम कर्म की दृष्टि से भी ले सकते हैं, लेना चाहिए, और स्वभाव की दृष्टि से भी लेना चाहिए। तो गुण से परिचय कराया, कर्म से परिचय कराया, स्वभाव से परिचय कराया, और परिचय की अंतिम प्रक्रिया में पदार्थ से परिचय होता है। आपके सामने में गले में ये अभिज्ञान पत्र डाल करके खड़ा हूं, ये पदार्थ है, इस पदार्थ से भी मेरा परिचय होता है, मैं कौन हूं। याद रखिए, स्वामी जी से पूर्व की मध्यकालीन जो भक्ति परंपरा है, उस भक्ति परंपरा में ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव गौण बन गए हैं, और ईश्वर के पदार्थों की परिकल्पना का जगत इतना व्यापक हो गया है कि उसका कोई अंत नहीं है। जितना भी षोडशोपचार पूजन और मूर्ति पूजा का प्रवाह है, अथवा यूं कहे कि नवधा भक्ति है, उस नवधा भक्ति में यदि आप पदार्थों को निकाल देते हैं तो भक्ति का खड़ा किया हुआ भवन अपने आप ध्वस्त हो जाता है। इसलिए स्वामी जी ने भक्ति के संदर्भ में एक विरासत दी। उन्होंने ईश्वर के पदार्थों की उपेक्षा नहीं की, ईश्वर के पदार्थ भी, ईश्वर के पदार्थों से भी भक्त का परिचय करवाया, और इस परिचय की श्रृंखला में इस मंत्र के व्याख्यान में ईश्वर के कर्मों का निर्देश करते हुए उनके द्वारा जिन जिन पदार्थों की रचना की गई है वो सारे पदार्थ ईश्वर के पदार्थ हैं। उन पदार्थों के द्वारा भी ईश्वर का परिचय, ईश्वर का ज्ञान होता है। तो सार रूप में मुझे ये कहना है कि इस ग्रंथ के द्वारा ईश्वर का ज्ञान करा, ईश्वर के स्वरूप का, ईश्वर का ज्ञान कराने का जो उद्देश्य था वो ईश्वर के नाम के ज्ञान से, गुणों के ज्ञान से, कर्म के ज्ञान से, स्वभाव के ज्ञान से और पदार्थ के ज्ञान से पूरा कराया गया है। दूसरी बात, दूसरा उद्देश्य भक्ति के स्वरूप का ज्ञान। क्या है ईश्वर की भक्ति? आर्याभिविनय के अंतर्गत जिन मंत्रों का संग्रह किया गया उनका व्याख्यान जब हम पढ़ते हैं तब जो बात उभर करके आती है उन बातों को हम इस तरह से रख सकते हैं
पहली बात, ईश्वर के जिन गुणों को हमने जाना वो गुण मेरे अंदर प्रस्थापित हो ऐसे कर्म करना, इसका नाम भक्ति है। पर ये भक्ति का पहला चरण है। चार चरणों में स्वामी दयानंद ने भक्ति के स्वरूप को रखा। दूसरे चरण में ईश्वर के जो कर्म हैं उन कर्मों को ईश्वर के ही कर्म मानना, इस प्रकार की दृढ़ प्रतिज्ञा अपने मन में, अपने हृदय में, अपने विचारों में प्रस्थापित करना, ये भक्ति के स्वरूप का दूसरा चरण है। याद रखिए, आजकल हमारे गुजरात में तो बहुत होता है, नींबू और मिर्च धागे में बांध करके लगा देते हैं, घोड़े की नाल लगा देते हैं, कई उपक्रम किए जाते हैं और लोग ये समझते हैं कि ये नींबू और मिर्च जो है ना वो हमको सुख देती है, हमारे दुख को दूर करती है और हमारे अंदर सुख का आधान करती है। तो याद रखिए, सुख देने का काम, दुख देने का काम, मनुष्य के कर्म के फल देने का काम मात्र और मात्र ईश्वर का है। भक्त जब ईश्वर के कर्मों को जान करके वो कर्म ईश्वर से ही कराने की दृढ़ प्रतिज्ञा रखता है तो वो भक्ति के चरण का दूसरा काम पूरा करता है। तीसरे चरण में ईश्वर के स्वभाव का ज्ञान कर लिया, अब व्रत ले लिया कि ईश्वर के स्वभाव, ईश्वर का स्वभाव मेरे लिए सहनीय है, सौढ़व्य है, मैं उसको हर परिस्थिति में सहन करूंगा, अनुकूल परिस्थिति हो प्रतिकूल परिस्थिति हो मेरे लिए वो सहनीय है। जब भक्त ईश्वर के स्वभाव को जान करके उन स्वभावों को सहन करता हुआ अपने जीवन व्यवहार को बनाता है, तब स्वामी दयानंद की विरासत रूपी भक्ति का तीसरा चरण पूरा होता है। और चौथे चरण में ईश्वर के जो पदार्थ हैं मैं मेहनत करके उसके ऊपर अपने स्वामित्व का आदान कर सकता हूं, पर अंततः मुझे इस व्रत को भी निभाना है कि मेरे अधीन जितने भी पदार्थ हैं, जिन पदार्थों का मैं स्वामी हूं, और यदि उन पदार्थों की रचना ईश्वर की है तो मेरा स्वामित्व गौण है, दबा हुआ है, ईश्वर का ही स्वामित्व है। इस प्रकार के पदार्थ के प्रति जो भाव हैं उन भावों को हृदयस्थ रख करके जीवन के व्यवहार को करना, ये भक्ति का चौथा चरण है। और इसीलिए इदं न मम ये सूत्र आया। पहले तो मनुष्य पुरुषार्थ करके इदं मम करता है, पहले तो उसके पास है ही नहीं कुछ भी, पर यत्न करके वो इदं मम, ये मेरे स्वामित्व की वस्तु है, ऐसा वो अर्जन करता है और तुरंत ही फिर भक्ति के चौथे चरण में अपने अर्जित पदार्थों के, अपने स्वामित्व के पदार्थों के लिए अपने स्वामित्व कौन बनाता है और ईश्वर के स्वामित्व को स्वीकार करता है। तो स्वामी दयानंद की भक्ति की विरासत यह है कि ईश्वर के गुण भक्त में आने चाहिए, ईश्वर के गुण भक्त के अंदर आए ऐसे कर्म करना भक्ति है, ईश्वर के कर्मों को ईश्वर से ही कराना इस दृढ़ प्रतिज्ञा यही भक्ति है, ईश्वर के स्वभाव को हर परिस्थिति में सहन करते रहना ये ईश्वर की भक्ति है, और ईश्वर के पदार्थों को ईश्वर के पदार्थ समझना ये ईश्वर की भक्ति है। तो ईश्वर की इस भक्ति का अभिज्ञान, इस भक्ति का परिचय भी स्वामी जी ने इन मंत्रों के व्याख्यान में हमें कराया है। उसके बाद तीसरा स्वामी जी का
उद्देश्य है कि भक्त में धर्मनिष्ठा की स्थापना होनी चाहिए। इसके लिए इस ग्रंथ उन वेद मंत्रों का चयन किया गया जिन वेद मंत्रों में पदगत रूप से स्पष्ट रूप से भक्त में अर्थात मनुष्य मात्र में धर्मनिष्ठा की स्थापना के लिए प्रेरणा दी गई है। प्रायः जितने भी प्रार्थना विषयक, मैं स्पष्टता करना भूल गया पहले कि आर्याभिविनय में जिन मंत्रों का संग्रह किया गया है उन प्रत्येक मंत्रों के ऊपर एक शीर्षक दिया है, मूल प्रार्थना या मूल स्तुति। तो जिन मंत्रों के ऊपर मूल प्रार्थना लिखा है वो प्रार्थना वाले सारे मंत्र, उनका व्याख्यान मनुष्य के अंदर धर्म भावना को दृढ़ रूप से प्रस्थापित करता है। उदाहरण के रूप में स्वामी जी ने पहले ही मंत्र में शन्नो मित्रह शं वरुणह मंत्र में व्याख्यान के अंदर इस प्रकार का वाक्य रखा, आपका अर्थात ईश्वर का तो स्वभाव ही है कि अंगीकृत को कभी नहीं छोड़ते, सो आप सदैव हमको सुख देंगे, यह हम लोगों को दृढ़ निश्चय है। भगवान ने जिस भक्त को एक बार स्वीकार कर लिया, और ऊपर के संदर्भ से किस भक्त को स्वीकार कर लिया, जिस भक्त ने भगवान के गुणों को अपने अंदर रखा है, भगवान के कर्मों को भगवान से कराता है, भगवान के स्वभाव को सहन करने की शक्ति रखता है और ईश्वर के पदार्थों को ईश्वर का समझता है, ऐसे भक्त को भगवान एक बार स्वीकार कर लेते हैं तो फिर कभी नहीं छोड़ते, उसका कभी त्याग नहीं करते। इसलिए आप सदैव हमको सुख देंगे, यह हम लोगों को दृढ़ निश्चय है। भाषा थोड़ी उबड़ खाबड़ है पर कहने का सार तो ये है कि एक बार ईश्वर ने मेरा भक्त के रूप में स्वीकार कर लिया तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, हमेशा मुझे सुखी रखेंगे। ये धर्मनिष्ठा इस प्रकार के वाक्यों से स्वामी जी ने संपूरित करने का प्रयत्न किया है। इसी तरह से प्रथम प्रकाश के 43वें मंत्र में भी लिखते हैं, जिनको आपकी सहायता है उसका सर्वत्र विजय होता है। ऐसे ही वाक्यों से निष्ठा दृढ़ होती है, धर्म की निष्ठा दृढ़ होती है। तो इस प्रकार के व्याख्यान से भी स्वामी जी ने भक्त के अंदर धर्म की निष्ठा को दृढ़ बनाया है। इतना ही नहीं, स्वामी जी ने आर्याभिविनय के अंदर प्रत्येक मंत्र के प्रारंभ में प्रायः अपनी ओर से एक संबोधन दिया है। वैसे तो संबोधन अनभिमुख को अभिमुख करने के लिए किया जाता है, इसलिए तर्क करने वाले लोग कर सकते हैं कि ईश्वर तो भक्त के पास में ही रहता है तो फिर भक्त को संबोधन, भगवान को संबोधन करने की क्या जरूरत है। पर व्यवहारिक दृष्टि से हम देखें तो भगवान तो हमारे अभिमुख होते ही हैं, पर भक्त के रूप में हम अनभिमुख हो जाते हैं, इसलिए हम अपने लिए भगवान को अभिमुख करते हैं, भगवान का संबोधन देते हैं। और मुझे लगता है कि आर्याभिविनय में ईश्वर को अभिमुख करने के लिए ने संबोधनों का प्रयोग किया गया, वो सारे संबोधन कहीं न कहीं ईश्वर के गुण के वाचक हैं, ईश्वर के कर्म के वाचक हैं, ईश्वर के स्वभाव के वाचक हैं और ईश्वर के पदार्थ के वाचक हैं। इन सब संबोधनों से भी भक्त के मन के अंदर
धर्म की भावना, परोपकार की भावना, भक्ति की भावना दृढ़ होती है। तो ये उपक्रम भी इस प्रकार से देखने लायक है। और अंत में भक्त के व्यवहार की शुद्धि करने का उद्देश्य भी इस ग्रंथ से रखा। ये बड़ा महत्व का उद्देश्य है, क्योंकि स्वामी जी ने अपने काल में अनुभव किया कि भक्त तो बहुत हैं, भक्ति रत भी हैं, और व्यवहार शुद्धि के नाम पर बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। इसलिए स्वामी जी ने इस ग्रंथ के उद्देश्य के उद्देश्य में एक बात यह भी जोड़ी कि आर्याभिविनय ग्रंथ के माध्यम से मैं जिस भक्ति की विरासत को आप तक पहुंचा रहा हूं, उस भक्ति की विरासत वाले भक्त लोगों के व्यवहार की शुद्धि भी होनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, तो कई मंत्रों के अर्थ करते हुए व्यवहार शुद्धि के पक्ष को उजागर किया। जैसे ईशे पिन्वस्व, यजुर्वेद के मंत्र का ही टुकड़ा है। इस मंत्र में धर्मासी सुधर्म ऐसे दो पद हैं। इसका अर्थ करते हुए स्वामी जी लिखते हैं, हे सुष्टु धर्मशील, अगेन संबोधन, तू धर्मकारी हो तथा धर्म स्वरूप ही हो, हम लोगों को भी कृपा करके धर्मात्मा कर। तो भक्त होने के साथ साथ हमें धर्मात्मा भी बनना है। धर्मात्मा वही है जिसका व्यवहार शुद्ध है। फिर अमेनी, ये वेद में प्रयुक्त शब्द है, इसकी व्युत्पत्ति क्या है मुझे मालूम नहीं, इसका ये अर्थ कैसे किया मुझे मालूम नहीं। यहां से हमको प्रेरणा मिलेगी कि स्वामी दयानंद किस प्रक्रिया से अमेनी का अर्थ करते हैं, तू निर्वैर है, हमको भी निर्वैर कर। भक्ति के अवसर पर तुलसी के पौधे से पर्ण लेते हुए भी हम अपना भक्ति भाव बताते हैं, पर घर के दरवाजे पर दो चार दिन का भूखा, ठंडी में ठिठुरता कोई गरीब मनुष्य आता है तो उसको कुछ देने की वृत्ति हमारी नहीं होती। तो ये भक्ति का पक्ष उजागर होते हुए भी व्यवहार शुद्धि का उदाहरण नहीं है, व्यवहार की अशुद्धि का उदाहरण है। स्वामी जी कहते हैं कि भगवान भी निर्वैर हैं तो हमको भी निर्वैर रहना है। और ये निर्वैरपना केवल भक्ति के समय में नहीं, सभी काल में और सभी देश में रखना है। इस तरह से व्यवहार शुद्धि के लिए भी इस आर्याभिविनय के अंदर वेद मंत्र के व्याख्यान को साधन के रूप में स्वामी जी ने उपयुक्त किया है। दूसरा, जिसके लिए मुझे एक स्वतंत्र लेख लिखना है, इसका नामकरण भी भक्त के व्यवहार की परिशुद्धि के लिए ही किया है। मैंने इस समय इस बात को इन शब्दों में आकारित किया है, इसको पढ़ करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। कई बार तो इस ग्रंथ का नामोच्चारण करना भी थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता है, शायद इसलिए भी विक्रय के टेबल पर जब ये पुस्तक रखी होती है ना तो कोई इसको छूता नहीं है, ये क्या होगा आर्याभिविनय। यदि अभी शब्द का प्रयोग न किया होता, आर्य विनय कर दिया होता तो शायद ये थोड़ा प्रसिद्ध बन सकता था। पर स्वामी जी ने इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच रखी है। इस आर्य पर उसकी बात न करके ऊपर ऊपर से एक बात करनी, इस आर्याभिविनय शब्द में आर्य तथा अभिविनय दो पद हैं। आर्य जो है वो नाम पद है और अभिविनय वो आख्यात पद है। आर्य पद से
जिस श्रेष्ठता रूप गुण की अभिव्यक्ति होती है वह मानवीय व्यक्तित्व की सर्वोत्तमता का प्रतीक है। इसके आगे के मानवीय व्यक्तित्व की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए कृणवंतो विश्वमार्यम इस वेद मंत्रांश में समग्र विश्व के आर्य बनाने की जो भावना है वह प्रत्येक मानव को उस मानवीय व्यक्तित्व तक पहुंचा देने की भावना है जिसके आगे और कुछ भी नहीं हो सकता। इस प्रकार से ऐसे आर्य मानव के द्वारा की जाने वाली शतसह सहस्रसह लक्षसह क्रियाएं, उन सारी क्रियाओं में नए नहीं विनय भी नहीं अभिविनय क्रिया सर्वोत्तम है। इस क्रिया के आगे की कोई क्रिया नहीं विचारी जा सकती जो मनुष्य के द्वारा की जा सकती है। अभिविनय की इस क्रिया का एक स्वरूप जैसा कि हमने विचारा ईश्वर के गुणों का ज्ञान करना और उन गुणों को अपने अंदर प्रस्थापित करना, दूसरा स्वरूप ईश्वर के कर्मों को ईश्वर से करवाने के संकल्प के रूप में है, तीसरा स्वरूप ईश्वर के स्वभाव को सहने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ बने रहने में है, और चौथा और अंतिम स्वरूप अपने स्वामित्व के पदार्थों पर ईश्वर के स्वामित्व की भावना रखते हुए अर्थात इदं न मम की भावना रखते हुए अपने जीवन के समस्त व्यवहारों को संपन्न करने के रूप में है। इस प्रकार विचारने पर अभिविनय क्रिया में एक और ज्ञान कर्म तथा उपासना तीनों का समावेश हो जाता है, तो दूसरी ओर ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना इन तीन क्रियाओं का भी समावेश हो जाता है। ईश्वर भक्ति के संदर्भ में इसके अतिरिक्त कुछ और हो ही नहीं सकता। सार यह है कि ग्रंथ की संज्ञा में प्रयुक्त आर्य नाम पद तथा अभी भी उपसर्ग के साथ प्रयुक्त नए आख्यात संपूर्णतः संस्कृत तथा योग्यतावान भक्त तथा उसके द्वारा की जाने वाली अभिविनय पद से अभिव्यक्त उत्तमोत्तम क्रियारूप भक्ति के भाव को अभिव्यक्त करता है। ग्रंथ के नाम में अभिव्यक्त यह भाव भी भक्त की व्यवहार शुद्धि का कारण बनता है। इस प्रकार स्वामी दयानंद ने उपर्युक्त रीति से अपने इस ग्रंथ की रचना के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक सिद्ध किया है। धन्यवाद सबको। प्रणाम। इसमें एक और जोड़ना चाहूंगा कि यहाँ जो अभिविनय में जो अभि उपसर्ग है ये अभिमुख्य के अर्थ में है कि भक्त जो है भगवान को अपने अभिमुख स्मरण करके इसलिए मैंने कहा कि मुझे एक लेख लिखना है इस नामकरण के पीछे तो उसमें मेरा लोक प्रकट हो रहा है। मैं रुकू नहीं पर मैं समय की मर्यादा समझता हूँ। एकदम संक्षेप से बात कहूँ कि मैंने इसको इस तरह से विचार अभी इसको पुष्पित पल्लवित करना बाकी है, थोड़ा मैंने कर लिया है। अभी प्लस नहीं आर्य प्लस अभी प्लस वी प्लस नए, आर्य से नए की ओर जाना और दूसरा नए उसके बाद वी उसके बाद अभी और उसके बाद आर्य। तो ये आप लोग आशीर्वाद दीजिए, मुझे शुभकामना दीजिए कि मैं इन विचारों को लेखबद्ध करके आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद। भक्ति में प्रश्न ही करने चाहिए और आज ये सिद्ध हो गया विनय की भक्ति में कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता जो आज आपका जी जानकारी जो अभिविनय शब्द इससे प्रेरित होकर आर्य समाज के दिग्गज विद्वान ने अपना नाम ही रखा था अभिविनय भारती और उनकी एक पुस्तक बड़ी प्रसिद्ध है कालिका में लिखी अभिमीमांसा सौ कालिका है यज्ञ पर याजिक विषय के पंडित थे वो। दूसरी बात मुझे ये जोड़नी है यह अभिविनय के बारे में पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने अपने ऋषिध्यान के ग्रंथों के इतिहास में लिखा है जो आर्य अभिविनय के पढ़ने से भी पता चलता है कि स्वामी जी की अभिप्सा थी कि इसमें चार प्रकाश करेंगे। केवल दो प्रकाश आया, प्रथम प्रकाश और द्वितीय प्रकाश। प्रथम प्रकाश में ऋग्वेद और द्वितीय प्रकाश में यजुर्वेद
और एक मंत्र तैतरीय आरण्यक का लेकर के 108 मंत्र की व्याख्या हुई। स्वामी जी की भूमिका से पता चलता है कि इसी प्रकार वो चाहते थे कामवेद और अथर्ववेद के भी मंत्रों को लेकर तृतीय चतुर्थ प्रकाश की पूर्ति करें, जो वो नहीं कर पाए। और तीसरी बात यह है कि आज्ञा विनय का जो लेखन काल है वो स्वामी दयानंद के हिंदी लेखन का बिल्कुल प्रारंभिक काल है। यहाँ तक कि सरकार प्रकाश के प्रथम संस्करण का जो लेखन काल है उससे ये पता लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि दो चार दिन आगे है कि पीछे है। इसलिए इसकी भाषा में जो ऊबड़ खाबड़ बना दिखता है ये वास्तव में ऊबड़ खाबड़ बना नहीं है, क्योंकि उस काल में और जो हिंदी के लेखक है उनकी भाषा तो और किसी काम की नहीं है। किस विदेश का हृदय बोल रहा है इसमें, उनकी भक्ति बोल रही है और सामवेद का जो उपासना कांड बोल रहा है, ये बात मैं थोड़ा जोड़ना चाहता। उसमें स्वामी जी ने यह भी निर्देश कर दिया है इस ग्रंथ की मर्यादा में कि इसमें केवल ईश्वर को केंद्र में रख करके ही व्याख्यान किया गया है, नहीं तो ग्रंथ बड़ा हो जाता। तो इसीलिए मैंने मुझे ये विषय सूझा कि आर्याभिविनय को वेदार्थ गठन के सूत्र ग्रंथ के रूप में भी देखना चाहिए, उसके ऊपर भी कुछ विचार करना चाहिए। तो देखिए आप लोगों के आशीर्वाद रहेंगे, शुभकामना रहेगी तो मैं करूंगा। थोड़ी सी जिज्ञासा है जी कि नवदा भक्ति के बारे में, पदार्थ के बारे में मुझे थोड़ा सा लगता है कि शायद ऐसा चिंतन दयानंद जी का नहीं रहा हो। नहीं नहीं मैंने सर ऐसा कहने का प्रयत्न किया कि जैसे नवदा भक्ति में दास्य है नहीं सख्य है, पाद सेवन है, इन सब क्रियाओं को करने के लिए साधनों की अपेक्षा रहती है। बिना साधनों के पाद सेवन संभव नहीं है। स्वामी दयानंद ने जिस भक्ति की परिकल्पना की उसमें ईश्वर के गुणों को अपने अंदर उतारने के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं है। ईश्वर के कर्मों को, ईश्वर के ही कर्म है इस बात को स्वीकार करने के लिए किसी साधन की जरूरत। उपेक्षा तो शायद उस तरह की नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा मध्यकाल का जो भक्ति का है उसमें नवदा भक्ति को ऐसे हम खारिज नहीं कर सकते। नहीं खारिज की बात नहीं है सर, मैंने तो केवल मात्र देखिए इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जैसे हम सरस्वती की स्तुति करते हुए या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, ऐसे हजारों स्तोत्र ग्रंथ है, स्तोत्र है अपने यहाँ, इन सारे स्तोत्रों में है क्या? अल्टीमेटली तो किसी का भी आप संबोधन कराएंगे, परिचय कराएंगे तो नाम गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ का वर्णन करेंगे, इसमें अधिकता किसकी है? तो जितने भी मध्यकाल में आप देखेंगे तो या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, तो हार यानी श्वेत वस्त्र, ये सब पदार्थ के अंदर आते हैं, गुण में नहीं आते, कर्म में नहीं आते। और फिर निर्गुण भक्ति के बारे में आप क्या कहेंगे? स्वामी दयानंद ने निर्गुण का अर्थ निषेधवाचक शब्दों के द्वारा किया है, जैसे ईश्वर अनुपम है, ये निर्गुण भक्ति है, स्वामी दयानंद की मान्यता ये है, तो वो एक विषय अलग हो जाता है। पर आर्याभिविनय को केंद्र में रख करके स्वामी दयानंद की भक्ति की विरासत को देखना है तो ये सीधी सी बात है कि ईश्वर के गुणों को अपने अंदर ले आओ, ईश्वर के कर्मों को कर्म से करने दो, ईश्वर के स्वभाव को सहन करने की आप तैयारी रखो, और ईश्वर के पदार्थ को आप अपने पदार्थ मत समझो, उसमें ईश्वर के स्वामित्व को बनाए रखो, भले आपने कमा करके उसका स्वामित्व हासिल किया है, और इसी बात को इदं न मम वगैरह के द्वारा हम करते हैं। जी है जी हाँ हाँ मतलब वो तो जितने भी नेगेटिव हैं जी हमारे हिंदी साहित्य में भक्ति काल पूरा नाम दे दिया गया है। काल के कई जो कवि भी हैं, रचनाकार हैं और भक्त हैं उनको सामने लाया गया और भक्ति की वहाँ परिभाषा भी दी गई, सा परम प्रेम रूपा, प्रेम की पराकाष्ठा ही भक्ति में परिभाषा। तो सर ये इसमें भी भक्ति के जो आपने पांच उपादान बताए, क्योंकि उसमें भगवान राम स्वयं नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति संतन कर संगा, तो देखिए वो एक अलग विषय हो जाता है। जैसे प्रेम रूपा भक्ति, प्रेम रूपा भक्ति है तो प्रेम रूपा भक्ति में भी गुणों के कारण, उसमें भी कोई पदार्थ नहीं आएगा, गुणों के कारण ही आपस में अभिव्यक्त अभिरजता रहेगी। देखिए विषयांतर नहीं करें,
ठीक है। जो बात उन्होंने कही वो एक ग्रंथ विशेष के संदर्भ में और उस ग्रंथ के कर्ता की जो मान्यता है उसको स्पष्ट करते हुए। पहली एक बात और ये, अब अगले बस सब 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 लोगों का धन्यवाद करते हुए मैं शान लेता हूँ। इसको बाद में चलाइए, हम अगले वक्ता की बात करते हैं। धन्यवाद। साधन निरपेक्ष भक्ति का जो स्वरूप है तो साधन निरपेक्ष भक्ति स्वामी दयानंद के द्वारा विपरीत है और साधन सापेक्ष नवदा भक्ति जो है वो भी बात नहीं है। ये विषय हमारे ठीक है नहीं है, ये तो ग्रंथ के विमर्श का एक हिस्सा है कि उद्देश्य को पूर्ति कैसे की है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर चौकसी जी, आपने आर्याभिविनय को बहुत ही सूक्ष्मता पूर्वक स्वाध्याय करके उसका मर्म हम सब तक पहुंचाया। और केवल एक नहीं, आप कह रहे हैं कि उसमें तीन तीन लेख लिखने का आपका विचार है, तो मुझे लगता है दयानंद का दाय सबसे बड़ा यही है जो हमने छोड़ दिया है, स्वाध्याय करना हम लोगों ने छोड़ दिया है। उनका नाम लेते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन उनके लिखे गए ग्रंथों को इस प्रकार गंभीरता से हमने पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हम अगले वक्ता की ओर पर चलते हैं। हमारे आठवें वक्ता आचार्य वेदपाल जी हैं, अजमेर से। मैंने बहुत बार मांगा लेकिन उन्होंने कोई परिचय नहीं दिया। मुझे जितना पता है मैं उतना ही निवेदन करती हूँ। इस समय आप महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित श्रीमती परोपकारिणी सभा, जो कि उनकी उत्तराधिकारिणी सभा है अजमेर में, उसके आप अध्यक्ष हैं। वहां से निकलने वाली परोपकारी पत्रिका आपके मार्गदर्शन में निकल रही है। इससे पूर्व आप मेरठ कॉलेज मेरठ में संस्कृत के विभागाध्यक्ष पद से निवृत्त हुए हैं, और जब आप वहां संस्कृत के विद्यार्थी थे तब मैं वहीं रघुनाथ गर्ल्स कॉलेज मेरठ में विद्यार्थी थी। ये मुझे अभी कुछ दिन पहले ही पता चला। तो आपको भी दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय संगोष्ठी में मैंने निमंत्रित किया था और वहां अपने परोपकारिणी सभा का परिचय दिया था, जो बहुत ही सूचनाप्रद था। पर्याप्त समय हम वहां नहीं दे पाए थे। और आज के लिए आपने जो विषय लिया है, महर्षि दयानंद के पत्र और विज्ञापन, मैं निमंत्रित करती हूँ आचार्य वेदपाल जी को। इस संस्थान की सम्मान्य अध्यक्षा प्रोफेसर शशि प्रभा जी, प्रोफेसर मेहता जी, अन्य सभी सम्मान्य विद्वज्जन, कल प्रातः काल से महर्षि दयानंद सरस्वती के मूल्यांकन का हम प्रयास कर रहे हैं। और किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन करने के जो साधन हो सकते हैं वो उसके वक्तव्य हो सकते हैं, उसकी वक्तृता है। उस वक्तृता के साथ साथ उसने जो लेखन किया है उस लेखन को आधार बना करके भी उसका मूल्यांकन हो सकता है, जैसा कल ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका या अभी आर्याभिविनय को लेकर के चर्चा कर रहे थे। एक इसी प्रकार का एक दूसरा साधन है पत्र व्यवहार। जब व्यक्ति किसी दूसरे से पत्र के माध्यम से चर्चाएं करता है तब भी उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत अधिक स्पष्ट हो जाता है। और एक अन्य माध्यम है उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य, वो उसके बाद आगे चलते या वहीं समाप्त हो गए, उनको लेकर के भी हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। महर्षि दयानंद के जो पत्र और विज्ञापन है, सर्वप्रथम 1909 ईस्वी में स्वामी श्रद्धानंद जी, जो उस समय महात्मा मुंशी राम थे,
उन्होंने एक बहुत छोटा सा संकलन प्रकाशित किया था लाहौर से। उस पश्चात जो पत्र नए मिलते गए, चमूपति जी ने उसके बाद उसका संपादन किया। उसके बाद कुछ पत्रों की प्राप्ति हुई, भगवतदत्त जी रिसर्च स्कॉलर ने उसका संपादन, और बाद में उसका संपादन पंडित युधिष्ठिर जी मीमांसक ने किया। व्यवहार को प्रकाश करने का हमें ध्यान रखने की 83 ईस्वी में 1883 महर्षि क्योंकि महर्षि दयान बनाने ढांचे को खड़ा करने का पूजा को प्रश्रय मिल सकता हो उसका निश्चय किया था, तो उनके उत्तराधिकारियों को लगा कि हमें तो उनके मंतव्यों का प्रचार करना है, उसी का प्रसार करना है, उसके विषय में क्या खोज। तो इस पश्चात 1888 में एक आर्य समाज ने निश्चय किया कि महर्षि के जीवन संबंधी सामग्री की खोज होनी चाहिए उनके जीवन चरित के लिए। पंडित लेखराम आर्य मुसाफिर को उसके लिए समाज ने निवेदन किया। उसके बाद आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब उसमें सम्मिलित हुई और आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के सहयोग निर्देशन से पंडित लेखराम जी ने सामग्री का संकलन करना प्रारंभ किया। उस सामग्री संकलन के साथ साथ जो जीवन चरित के विषय में थी, स्थान स्थान पर महर्षि के द्वारा लिखित पत्र उन्हें प्राप्त हुए और उसका उल्लेख लेखराम जी द्वारा लिखित जीवन चरित में उपलब्ध होता है। लेखराम जी का काल क्योंकि 8-9 वर्षों का रहा, 1897 में उनकी हत्या हो गई और उसके पश्चात एक बहुत ऋषि भक्त रहे, साधारण व्यक्ति, किंतु उनका कार्य बड़ा असाधारण और बड़ा विलक्षण, महाशय मामराज, जिस व्यक्ति ने अपना जीवन लगा दिया कंधे पर थैला टांग करके और जहां भी संभावनाएं लगी पता लगता रहा, वो उन व्यक्तियों के पास गए, ऋषि दयानंद के द्वारा लिखित पत्र जो उन्हें उपलब्ध हुए वो लाते रहे और लाने के बाद पंडित भगवतदत्त जी को उन्होंने अपनी सारी सामग्री उसके लिए सौंप दी। उसके पश्चात भी स्वामी ओमानंद जी और कुछ व्यक्तियों को पत्र प्राप्त हुए जहां तहां से। तो इस तरह से जो पत्रों की संख्या है इस समय तक उपलब्ध संख्या, कुछ पत्र महर्षि ने लिखे, कुछ दूसरे व्यक्तियों ने महर्षि को संबोधित करके पत्र लिखे। जो दूसरे व्यक्तियों ने लिखे उनमें कुछ तो जिज्ञासाएं थी, महर्षि ने उनका उत्तर दिया, कहीं उन्होंने कुछ और अपने जीवन की समस्याएं रखी, महर्षि ने उनके भी उत्तर दिए। तो इस तरह कुल मिलाकर के महर्षि की ओर से जो दूसरों को पत्र लिखे गए वो 948 है और दूसरों ने जो महर्षि से पूछे या लिखे पत्र वह 607 पत्र हैं। अब पहले संपादन में क्या अंतर था, पहले दो भागों में वो पत्र थे जो महर्षि के द्वारा लिखे गए और दूसरे दो भाग में दूसरों के द्वारा लिखे गए पत्र थे। अर्थात यदि किसी ने कोई प्रश्न पूछा, महर्षि ने जो उसका उत्तर दिया है वो अलग जिल्द में है, अलग भाग में है, और महर्षि
कुछ पूछ रहे हैं, दूसरा उत्तर दे रहा है, वो कहीं दूसरी जगह मिलेगा। तो मुझे ये लगा कि हम पीएचडी के लिए शोध निर्देशन करते हैं और विद्यार्थी उठ करके संदर्भ को मूल ग्रंथ से नहीं मिलाता, जो मुझे लगा वो जहां से मिल रहा वहीं का लिख देता, पता हो कहीं से कहीं हो सकता है। तो मैंने सभा को निवेदन किया, धर्मवीर जी थे, हम सब लोगों के मित्री थे, अधिकांश थे के साथी थे, कि इसके छापने का कोई लाभ नहीं है इस रूप में। ये तो ये छपे कि पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष ढूंढे जाए, जो पत्र पहले लिखा गया है उसके उत्तर में दूसरा पत्र है, वो काल क्रम से संयोजित कर लिए जाए, तो जो अनावश्यक टिप्पणियां हैं वो हट जाएंगी और उस तरह से वो संपादन हुआ। 696 पृष्ठ एक भाग में है, 696 पृष्ठ दूसरे भाग में है। परोपकारिणी सभा ने दो भाग में उसको छापा है, दोनों में बराबर 696 पृष्ठ रखे गए हैं। अब उस पत्र व्यवहार को पढ़ करके महर्षि दयानंद के जीवन के वह पक्ष उद्घाटित होते हैं जिन्हें सामान्यतः हम नहीं जानते। हमारी समझ है ऋषि दयानंद ईश्वर के संदर्भ में जो अभी चर्चाएं हो रही हैं, नवधा भक्ति को स्वीकार नहीं करते, मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं करते, अवतारवाद को स्वीकार नहीं करते, तो लगभग लगभग हम मान लेते हैं कि ऋषि दयानंद नास्तिक हैं, अधिकांश व्यक्ति मान करके चलते हैं। और जो ईश्वर का स्वरूप ऐसे ही सगुण और निर्गुण को भी है, ऋषि दयानंद सगुण के भी उपासक हैं, ऋषि दयानंद निर्गुण के भी उपासक हैं, किंतु ऋषि दयानंद की परिभाषाएं दोनों भिन्न भिन्न हैं। जो भक्त कवि निर्गुण की बात करते हैं, ऋषि दयानंद उससे अलग हट करके बात करते हैं, तो वो मेरे इस पत्र का विषय नहीं है। दूसरे, ऋषि दयानंद वेदवादी हैं, आचार्य सायण और पूर्व के आचार्य भी वेदवादी हैं, किंतु पूर्व के आचार्य जो प्रतिज्ञाएं करते हैं अंत तक उस प्रतिज्ञा का निर्वाह नहीं करते। बहुत सामान्य सा उदाहरण है, हम सायण को प्रारंभ में देखें कि सायण प्रतिज्ञा करता है कि वेद में अनित्य इतिहास नहीं है। भाष्य भूमिका ले लें हम सायण की, अनित्य इतिहास नहीं है, और वो कहता है बबर प्रावाहणी रकामयत, कि ये जो बबर है ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये तो वायु है, और उस तरह से वो अनित्य इतिहास की बात करता है। किंतु ऋग्वेद को आप उठा करके देखें, दूसरों को भी छोड़ दें, तो सायण कितना इतिहास मानते हैं ये किसी से छिपा नहीं है, किसी से छिपा नहीं है। जब वो वासुदेव तक को ले आते हो वेद भाष्य में, विष्णु के त्रिविक्रम की चर्चा करते हुए या विष्णु की व्याख्या करते हुए सायण और स्कंद मानने लगते हैं और कहने लगते हो को विष्णुस्तु अस्मद भर्ता भगवान वासुदेव, कि भगवान वासुदेव विष्णु हैं, तो जब यहां तक पहुंच जाते हो तो अपनी प्रतिज्ञा का वो कितना निर्वाह कर रहे हैं ये बिल्कुल स्पष्ट है। किंतु ये क्यों कठिनाई खड़ी हुई और ऋषि दयानंद के सामने क्यों नहीं है, महर्षि के पत्र व्यवहार से बड़ा स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि सायण ने या किसी ने कभी ये प्रतिज्ञा नहीं की कि वो वेद भाष्य तो करने चले हैं किंतु वेद क्या है, वो कितने भाग को वेद मानते हैं और कितने भाग को वेद नहीं मानते, प्रामाण्य की दृष्टि से क्या प्रामाण्य है क्या अप्रामाण्य है वो स्पष्ट नहीं है। महर्षि दयानंद आर्य समाज की स्थापना से पहले वेद भाष्य प्रारंभ करने से 2-3 वर्ष पूर्व बड़ा स्पष्ट कर देते हैं एक विज्ञापन निकाल करके कि उनकी दृष्टि में मान्य ग्रंथ कौन से हैं, प्रमाण कौन से हैं। 1874 में कानपुर में एक यंत्रालय था सोलेतूर, वहां से एक विज्ञापन प्रकाशित कराया और उस विज्ञापन में महर्षि ने स्पष्ट कहा कि जो 4 संहिताएं हैं मैं इन 4 संहिताओं को प्रमाण स्वीकार करता हूं।
अब इसके बाद प्रश्न आया ब्राह्मण ग्रंथों की क्या स्थिति होगी। महर्षि दयानंद ने कहा कि मैं ब्राह्मण ग्रंथों को उस तरह प्रमाण नहीं मानता, एक देशी प्रमाण मानता हूं, और ब्राह्मण ग्रंथों के वचनों को केवल इसलिए उद्धृत करता हूं कि उनका मत जानने के लिए, उनका मत क्या है, उनका अभिप्राय क्या है। यदि वो वेद के अनुकूल हैं तो ऋषि दयानंद को स्वीकार है, और यदि वेद के अनुकूल नहीं है तो ऋषि दयानंद को स्वीकार नहीं है। ये ब्राह्मण ग्रंथों की स्थिति हुई। उसके बाद सारे कर्मकांड के ग्रंथों की बिल्कुल यही स्थिति है कि जितना उन्हें वेद के अनुकूल दिखाई दे तो प्रमाण और प्रतिकूल होता है प्रमाण। महर्षि ने मनुस्मृति को सबसे ज्यादा उद्धृत किया है सत्यार्थ प्रकाश में, किंतु उसी विज्ञापन में महर्षि ने मनुस्मृति के लिए भी बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि मनुस्मृति का भी केवल उतना ही प्रामाण्य है जितनी वो वेद के अनुकूल है, और मैं मनु को उद्धृत करता हूं केवल मनु का मत जानने के लिए। याज्ञवल्क आदि के संदर्भ में उन्होंने बहुत उपेक्षा दृष्टि रखी, उल्लेख किया, किंतु सबको अप्रमाण कोटि में डाल दिया, उनको कोई महत्व नहीं दिया महर्षि ने। अब महर्षि जब वेद व्याख्या करते हैं तो उनके सामने स्पष्ट है कि मेरे लिए ये प्रमाण है और ये अप्रमाण है। सायण आदि भाष्यकार क्यों भटकते हैं? अब देखिए, वो समस्या सीधी तो नहीं जुड़ती इस पत्र से, किंतु हर वैदिक धर्मी के साथ जो वेदवादी कहे अपने आप को, चाहे वो मूर्ति पूजा करे या ना करे, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि वेद में पशु बलि है, यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी, मांस का विधान है, ये सारे प्रश्न उठते हैं। हमारे वो मित्र जो ऋषि दयानंद को नहीं स्वीकार करते, उनके पास इसका कोई समाधान नहीं है, उनके पास इसका कोई समाधान नहीं है। दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं, कौशल्या की अश्व परिचर्या हो रही है वाल्मीकि रामायण में, सारी विधियां हो रही हैं जो बहुत निंदित हैं, बहुत गर्वित हैं, किंतु कोई समाधान नहीं है। तो ये जो इस तरह के प्रश्न हैं, ऋषि दयानंद पर ये प्रश्न नहीं लगते, ऋषि दयानंद इन सबसे बचे हुए हैं। एक भी गृहसूत्र नहीं है। मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करूं, यहाँ बहुत विद्वान बैठे हुए हैं, मैं तो विद्यार्थी हूं, पारस्कर गृहसूत्र की मैंने व्याख्या की और प्रयत्न ये किया कि संगति लगाने का प्रयास हो। 17 गृहसूत्रों के प्रमाण मैंने टिप्पणियों में दिए हैं, 17 गृहसूत्र के। पारस्कर का यदि किसी से मत वैभिन्न है कहीं पर, वो अवश्य टिप्पणी में मिल जाएगा आपको। एक भी गृह सूत्र ऐसा नहीं है जो मांस की बात ना करता हो, एक भी स्रोत सूत्र नहीं है, कोई यज्ञ नहीं है, आपके विवाह का मधुपर्क नहीं है। सारे सूत्र कह रहे हैं ना मांसो मधुपर्क स्यात्, आप कैसे आक्षेपों का समाधान करेंगे, कैसे उत्तर देंगे कि जो वेद है वो मांस का, मांस भक्षण का निषेध करता है, आर्य मांस नहीं खाते थे या वेद के मानने वाले नहीं खाते, कोई समाधान आपके पास नहीं होते। ये समाधान ये है कि चाहे वो ब्राह्मण ग्रंथ हो या ये सारे भाग हो, ये वेद नहीं है और ये मध्यकाल की रचनाएं हैं, और मध्यकाल की रचनाएं होने के कारण से जो सामाजिक परिवेश था सब उससे प्रभावित है, और बाद में इनमें प्रक्षेप होते चले गए, ये ईश्वरीय नहीं है। तो ऋषि दयानंद ने अपने विज्ञापनों में बार बार स्पष्ट कर दिया है कि मैं इनको प्रमाण नहीं मानता। 1874 का पहला विज्ञापन मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऋषि दयानंद की दृष्टि क्या है। ऋषि दयानंद की ने जब गृह त्याग किया तो ऋषि का लक्ष्य क्या था? ईश्वर की प्राप्ति करना, मोक्ष प्राप्त करना। किंतु मथुरा से चलते चलते ऋषि दयानंद का उद्देश्य बदल गया या विस्तारित किया उन्होंने अपने उद्देश्य को, और कह दिया विद्या विलास मन सो धृतशील शिक्षा सत्य व्रता रहित मान मलापहारा
संसार दुख दलनेन सुभूषिताये धन्या नरा विहित पर कर्म परोपकार। ये महर्षि का श्लोक है और इसीलिए उन्होंने परोपकारिणी सभा नाम रखा। और अपने उसमें जो पत्र व्यवहार में एक पत्र है कि ऋषि दयानंद इन कार्यों में क्यों प्रवृत्त हुए। महर्षि दयानंद पहले आचार्य हैं जिन्होंने अपने ग्रंथों को छपाने के लिए प्रिंटिंग प्रेस लगाए, लंदन से मंगाया प्रेस और उसको स्थापित किया। सबसे पहले प्रेस जो लगा वो वाराणसी में लगा, लक्ष्मी कुंड पर। किंतु ऋषि दयानंद के जीवन का उद्देश्य तो व्यापार करना नहीं था, प्रेस चलाना नहीं था। लाजरस कंपनी में पुस्तकें छपती थी, वहां कुछ कठिनाइयां थी। उन कठिनाइयों के बावजूद ऋषि दयानंद की सत्य निष्ठा पत्र व्यवहार से व्यक्त हो रही है कि महर्षि क्या कहते हैं। जब प्रेस लगाया, उन्होंने पत्र लिखा फर्रुखाबाद कालीचरण रामचरण को और महर्षि कहते हैं कि आज हम पतित हो गए, निवृत्ति मार्गी हैं, मोक्ष की कामना करके चले हैं, किंतु प्रेस लगा लिया। और प्रेस लगाते समय ध्यान रखिएगा, ऋषि दयानंद जब किसी काम को करते हैं तो 100% करते हैं। अब प्रिंटिंग प्रेस लगाना तो व्यापार है और व्यापार करने के जो माध्यम अपनाए जाएंगे ऋषि दयानंद भी अपनाते हैं। ऋषि दयानंद ने उस प्रेस के लिए शेयर भी जारी किए, 100-100 रुपए का शेयर लिया। ये भी कह दिया कि रुपया वापिस होगा, परमानेंट शेयर नहीं है, डिबेंचर की तरह थी। नाम तो उसको शेयर दिया है किंतु कहा गया लाभांश के साथ लौटाया जाएगा और वो लौटाया गया। उदाहरण के लिए पत्र व्यवहार में सब मिल जाएंगे और बहुत सस्ता परोपकारिणी सभा दे रही है। ये 1400 पृष्ठ का 500 रुपए में दोनों भाग देती है परोपकारिणी सभा। ऋषि दयानंद ने अजमेर लाहौर से 330 रुपए आए थे, लाला जीवनदास के 100 रुपए, लाला साईदास के 100 रुपए, मंगूमल के 50 रुपए, राम साहेब के 50 रुपए, दिलबाग सिंह के 30 रुपए। ऋषि दयानंद ने कहा ये वापिस जाएंगे। लाला जीवनदास और साईदास ने कहा हम तो वापिस नहीं लेते, कहते कहीं दे दो। उन्होंने फिर वो दान कर दिए किंतु हिस्सेदारी समाप्त कर दी। ये है व्यापार उनका, सत्यता का, जिसके लिए उन्होंने कहा था ना कि आज हम पतित हो गए, आज हम गृहस्थ हो गए, गृहस्थों का काम कर रहे हैं, किंतु सन्यासी रहते हुए भी उस काम को सन्यासी की तरह किया। और आना पाई का यदि हिसाब देखना हो तो वैदिक यंत्रालय का वो हिसाब देखें। ऋषि दयानंद जब व्यवसाय की तरह करते हैं तो ऋषि दयानंद की बराबरी कोई व्यवसायी नहीं कर सकता। ऋषि दयानंद अपने मैनेजर को, जो वैदिक यंत्रालय का मैनेजर है मुंशी बख्तावर सिंह शाहजहानपुर के थे, 30 रुपया मासिक वेतन देते हैं। और थोड़े दिनों तक ऋषि दयानंद नहीं देख पाए, कागज आया, फोन आया, 1 साल के लगभग समय लगा और मुंशी बख्तावर सिंह ने कितना गड़बड़ कर दिया, 8,968 रुपए और 15 आने। ऋषि दयानंद ने छाटा हिसाब और दिया 4 पेज की वो समरी, उसमें आने तक का भी है, 1 आना 2 आना 3 आना। कोई बिल है तो उसके लिए कोटेशन नहीं है, कोई कोटेशन है तो बिल नहीं है। तो इतनी बारीकी से उसको देखा। और बाद में एक अलग संवाद चला गया कि वो झगड़े हुए और मुंशी बख्तावर सिंह को हटाना पड़ा और ऋषि दयानंद ने अपने कुछ व्यक्तियों को कहा इस पर नालिश कर दो बख्तावर सिंह पर। और तब फिर ऋषि दयानंद ने अपनी वही बात दोहराई कि हमने स्वदेशोन्नति और परमार्थ के लिए समाधि और ब्रह्मानंद को छोड़ा था। देखिए, परमार्थ और स्वदेशोन्नति के लिए समाधि और ब्रह्मानंद को छोड़ा, यदि आप कुछ ना करेंगे तो हम लंगोटी लगा ब्रह्मानंद में विचरेंगे जाकर के, फिर वहीं चले जाएंगे। ये पक्ष। दूसरा एक पक्ष मैं बहुत संक्षेप में समय की दृष्टि से बात करूं, एक दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है कि ऋषि दयानंद जहां बख्तावर सिंह को 30 रुपए देते हैं वहां दूसरे व्यक्तियों के वेतन का जिनसे काम लेते हैं, बनारस में पाठशाला स्थापित की, काशी में पाठशाला खोली और पहले अध्यापक जो बाद में चल करके बहुत प्रसिद्ध हुए महामहोपाध्याय शिव कुमार शास्त्री,
और जिनके शिष्य मधुसूदन ओझा थे। शिव कुमार शास्त्री को ऋषि दयानंद ने अध्यापक नियत किया और कितना वेतन 15 रुपए मासिक पर। सोचिए उस समय 15 रुपए की कल्पना आप 80 से पहले 15 रुपए पर। काशी के पंडितों ने शिव कुमार जी को मना किया कि उनकी पाठशाला में क्यों जाते हो। उदासीन साधु थे जवाहरदास जी, उनके सहयोग लिया था ऋषि दयानंद ने। काशी के पंडितों ने शिव कुमार जी को मना किया, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, क्यों 15 रुपए कोई दे ही नहीं सकता था बनारस में, और ऋषि दयानंद 15 रुपया देते थे। वो अलग बात, पाठशाला लंबी नहीं चली। महर्षि दयानंद ने संस्कृत के शिक्षण के लिए दूसरी पाठशाला या गुरुकुल फर्रुखाबाद में खोला। यदुनाथ मित्र काशी से अध्यापक लिए गए और सोचिएगा उनका 1881 में कितना वेतन था, 40 रुपए, 2 लाख रुपए के लगभग आज के मान लें आप, कम से कम। संस्कृत के अध्यापक को आज भी कहीं कोई देगा क्या 40 रुपए? एक विज्ञापन ऋषि दयानंद ने और दिया जो पत्र व्यवहार में मिल जाएगा। महर्षि ने एक विज्ञापन दिया कि जो विद्वान व्याकरण पढ़ा हो, दर्शन पढ़ा हो, शास्त्र पढ़े हो और हमारी संस्कृत का हिंदी अनुवाद करे, उसका वेतन 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए तक हो सकता है। तो ऋषि दयानंद जो काम करते हैं उसको उसी दृष्टि से करते हैं कि ताकि वो सत्य पर आश्रित होकर के रहे, इसलिए असत्य का व्यवहार अपने जीवन में नहीं करते। और यहीं तक बात नहीं करते ऋषि दयानंद, वेतन किसको कितना मिलना चाहिए, पूरे इतिहास का कोई धर्माचार्य नहीं है, कोई आचार्य नहीं है, किसी मत पंथ का महंत नहीं है जो किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्त व्यक्ति के वेतन और पेंशन की बात करे। महर्षि दयानंद बात करते हैं। महाराणा सज्जन सिंह को महर्षि दयानंद ने एक विस्तृत पत्र लिखा और उनकी जीवनचर्या के लिए कुछ बातें लिखी पहले कि आप प्रातःकाल कितने बजे उठना। ये एक बड़ा दुर्भाग्य था कि महाराणा सज्जन सिंह की कोई अवस्था नहीं हुई। 24 साल की अवस्था थी जब वो महर्षि दयानंद के भक्त बने और 2-3 वर्षों में वो चले गए। महाराणा सज्जन सिंह को एक पत्र लिखा कि आप इतने बजे प्रातःकाल उठना, ये करना, और सायंकाल तक का पूरा विवरण दिया, आय व्यय का विवरण सुनना, राजा का कर्तव्य है जो दूत आएंगे बाहर से संदेश लेकर के उनको सुनना, और प्रतिदिन के आय व्यय के लेखे का मिलान करना, और उसके बाद भगवान का ध्यान करके और उससे पहले कल को जो काम किए जाने वाले हैं उन कामों को नियत करके बांट करके तब शयन करना और फिर प्रातःकाल उठना। उसी पत्र में आगे चल करके महर्षि ने फिर लिखा कि जो कर्मचारी 30 वर्षों तक निर्दुष्ट सेवा करे, निर्दुष्ट सेवा सब जानते हैं, कोई सोकोज नोटिस नहीं मिला हो, कोई एडवर्स एंट्री नहीं हो रही हो, जो 30 वर्ष तक निर्दुष्ट सेवा करे उसको वेतन का 50% यावत जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाए, और यदि उसकी विधवा हो तो उसको कब तक मिले, ऋषि दयानंद लिखते हैं यावत उसके संतान बालिग ना हो जाए। यावत शब्द का प्रयोग किया है, जब तक वो बच्चे बालिग हों, 65-7 साल का कोई चक्कर नहीं है, तब मिले, फिर बच्चे को नौकरी मिले और तब उसकी फैमिली पेंशन की जाए, और फैमिली पेंशन भी कितनी, यदि 5 रुपए मिलती है, कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होगा तो उसकी पेंशन 5 रुपए से 10 रुपए वेतन ही नहीं होगा महीने का, तो 5 से पेंशन ज्यादा नहीं थी, तो कहते हैं यदि 5 रुपए मिलते हैं तो उसमें कटौती ना की जाए। इस तरह से वो सारे संदर्भ महर्षि के यहां जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उन सबके वेतन को, सारी चीजों को आप देखें तो महर्षि दयानंद उस दृष्टि से कितने हैं। शिक्षा के संदर्भ में महर्षि दयानंद जहां संस्कृत के पक्षपाती हैं, आर्ष शिक्षा पद्धति के पक्षपाती हैं, वहां महर्षि दयानंद आधुनिक विषयों की भी शिक्षा चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने अपनी जो फर्रुखाबाद की पाठशाला थी उसके लिए लिखा कि तुम आजकल पाठशाला में गिटपिट ज्यादा करा रहे हो, संस्कृत कम पढ़ाई जा रही है,
और उन्होंने समय विभाग दिया 3-6 घंटे की पढ़ाई में 3 घंटे आर्स ग्रंथों का पठन पाठन हो और 3 घंटे में अंग्रेजी फारसी उर्दू और आधुनिक विषय ये सारी चीजें 3 घंटे में पढ़ाई जाए। ऋषि दयानंद की ये दृष्टि बिल्कुल नहीं थी कि संस्कृत पढ़ने वाला कूप मंडूक हो जाए, इसलिए वो आधुनिक विषय सारे एक तरफ रख देते हैं कि 50% 3 घंटे पर 3 घंटे तो आर्स ग्रंथों का पठन पाठन पाठशाला में होना चाहिए। अब ये दृष्टि सोचिए ऋषि दयानंद की, किंतु पाठशाला खोलने वाला इतना वेतन देने वाला दयानंद, जब उसे लगता है कि पाठशाला ठीक से काम नहीं चल रहा तो कहते हैं इसको बंद भी कर दो, पैसे का दुरुपयोग ना हो जनता के पैसे का। और विद्वानों के सम्मान का उदाहरण कितना महर्षि सम्मान करते हैं। महर्षि जब उदयपुर में हैं तो उन्होंने महाराणा सज्जन सिंह को एक दिन कहा कि आपके यहां पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराणा ने कहा कि महर्षि जाने वाले थे कि आप रुकिए देखते हैं। थोड़े से समय के बाद उनको पुत्र पैदा हो गया और जैसे ही महाराणा को पुत्र की प्राप्ति हुई, महाराणा ने एक वस्त्र में जैसे भी लपेट करके एक असरफी और एक सूचना की चिट्ठी महर्षि के पास तुरंत भेज दी पुत्र होते कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। महर्षि दयानंद ने उस असरफी का क्या किया, वो असरफी जो वहां कर्मचारी थे महर्षि के सबके अंदर बांट दी असरफी, अपने पास कुछ नहीं उस असरफी का। और दूसरा, महर्षि दयानंद मेरठ में है, उनके पास रमाबाई पढ़ने के लिए आई और रमाबाई ने महर्षि से न्याय और वैशेषिक दर्शन पढ़े। बहन जी आपका विषय पढ़ा, क्योंकि रमाबाई ने स्वयं अपने एक पत्र में उल्लेख किया भवद्भीर अध्यापितास्मि कि आपने तो मुझे पढ़ाया है, कुछ और बातें हैं उसमें कुछ खट्टी मीठी सब तरह की होती हैं। जब रमाबाई पढ़ने के लिए महर्षि के पास आई तो अपनी एक परिचारिका थी, किंतु अगले ही दिन उनका मित्र आ गया जो पहले से निश्चित रहा होगा उनका विपिन बिहारी बंगाली बाबू, तो महर्षि दयानंद को अच्छा नहीं लगा। और महर्षि दयानंद की दृष्टि ये थी कि ये विदुषी बने और महिलाओं में वेद का और भारतीय संस्कृति का प्रचार करे। महर्षि पढ़ाते रहे, सब कुछ चलता रहा और उसे प्रेरित करते रहे कि वो ब्रह्मचारिणी रहे और समाज का काम करें। रमा ने कहा कि मैं जाऊंगी और लौट कर आऊंगी। महर्षि ने कहा आपके साथ आपके परिवार का व्यक्ति हो, भाई हो, कोई भी परिवारी जन साथ में हो। खैर रमा ये आश्वासन देकर के महर्षि को गई, मैं अपने परिवार के व्यक्ति को लेकर के आऊंगी। जाते समय महर्षि ने जब रमा को विदा किया, क्योंकि वो पढ़ी थी 2.5-3 महीने तक, 125 रुपये, सोचिए 125 रुपये मलमल का थान दे करके रमाबाई को विदा किया। और ये दूसरी बात रही उस समय के समाज की परिस्थितियां हैं, उनका समय नहीं विश्लेषण करने का, कि रमाबाई पूना गई और पूना जाने के बाद उन्होंने उसी विपिन बिहारी बाबू से बंगाली से विवाह कर लिया और अनुमान किया जा सकता है कि पूना की परिस्थितियां कि एक उस समय के ब्राह्मण कुलोत्पन्न कोई किसी बंगाली कायस्थ से विवाह करे तो उसका सम्मान तो नहीं हुआ होगा पूना में, हो सकता है ये कारण हो या कुछ और भी कारण रहे हों। वो रमा फिर रमा मेरी हो गई, दयानंद के पास नहीं आई और उसने ईसाइयत का प्रचार किया और हिंदुत्व का विरोध किया। किंतु यदि वो ऋषि दयानंद रह जाती और हमारा बाकी समाज ऋषि दयानंद की तरह से प्रभावित होता तो जो महाराष्ट्र में ईसाइयत की लहर चली बढ़ी और उसने बड़ा काम किया ईसाई महिलाओं में रमा ने, वो नहीं फैला होता। तो वो संदर्भ देखें। उसके बाद महर्षि दयानंद की दृष्टि को आप देखें, पत्र व्यवहार से व्यक्त होता है कि ऋषि दयानंद छोटी से छोटी चीज पर कितनी बारीक दृष्टि डालते हैं। एक बहुत ही छोटी सी चीज है सिंचाई, खेत में सिंचाई करने के लिए नालियां बनती हैं, नहरें बनती हैं, पानी ले जाया जाता है। आजकल तो ड्रिप इरिगेशन की बात हो रही है, सिस्टम की बात हो रही है, आगे जा रहे हैं। क्यों?
कि पानी का अभाव है, जल की बर्बादी होगी। ऋषि दयानंद घूमने गए शाहपुरा में और महाराजा की पूर्ण है, पत्र लिख करके महाराजा को बुलवा लिया नाहर सिंह जी को। दोपहर बाद आए महाराजा, महर्षि ने कहा था दोपहर बाद मिलना, ऋषि ने कहा कि आपकी ये त्रुटिपूर्ण है। क्यों? वो जो नाली बन रही थी राजस्थान में, छोटी छोटी भी नालियां नहर कहलाएंगी, उसकी तली फैली हुई थी। और ये स्वाभाविक सी बात है कि जितने क्यूसेक पानी प्रारंभ से चलेगा, यदि वह अंत में टेल तक पहुंचेगा और नीचे फैल कर जाएगा तो वही जमीन में जाता रहेगा, अंत में बहुत थोड़ा सा पहुंचेगा। तो ऋषि दयानंद ने राजा का ध्यान दिलाया कि आपकी ये नाली पूर्ण बन रही है, इसकी तली की चौड़ाई कम कराओ और ये खड़ी हो तो टेल तक ज्यादा पानी। देखिए, कौन धर्माचार्य हो सकता है विश्व में जिसका धर्म का हो, जिसका काम वेद भाष्य करना हो, जिसका काम शास्त्रार्थ करना हो, वो ये सारे काम करते करते, थोड़ा ऋषि का समय देखिए आप कितना मिला है। महर्षि दयानंद को समय तो कुछ मिला ही नहीं है, 83 तक का समय लगा लीजिएगा, 74 में सत्यार्थ पहली बार बोल करके लिखवाया, और पहले ले जाएं तो 1869 में काशी शास्त्रार्थ कुंभ के बाद, सार्वजनिक जीवन की महत्वपूर्ण घटना है, तो सारा मिला करके 69 से और चले जाइए 13-14 वर्ष, उसमें शास्त्रार्थ भी करते हैं, यात्राएं भी करते हैं। और ये सब होते होते भी महर्षि दयानंद इतने सारे कार्य करते हैं और हर कार्य को पूर्णतः व्यवस्थित रख करके चलते हैं। ये सारे पक्ष उनके जीवन के इससे उद्घाटित होते हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष, कल वेदी जी एक बात कह रहे थे हिंदी की, 1882 में हंटर कमीशन आया, हंटर कमीशन को ज्ञापन दिए जाने के लिए कि हिंदी इस देश में लागू की जाए और उसको महत्वपूर्ण स्थान मिले, शिक्षा का माध्यम हो, महर्षि दयानंद ने सारे आर्यों को प्रेरित किया चिट्ठी लिख लिख करके कि ज्ञापन दीजिएगा हंटर कमीशन को, और फॉलो अप किया कितने ज्ञापन तैयार हुए हैं। सबसे बड़ी शिकायत महर्षि की थी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश कानपुर फर्रुखाबाद से थी, यहाँ के व्यक्तियों ने ज्ञापन कम दिए और दूसरे स्थानों से ज्ञापन अधिक संख्या में आ रहे थे। तो महर्षि ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, ज्ञापन क्यों नहीं दे रहे हैं। तो हंटर कमीशन को 1882 में हिंदी के प्रचार के लिए ज्ञापन की बात ऋषि दयानंद कर रहे हैं। गो करुणा निधि की बात करें तो महर्षि जब 1866 में पहली बार पुष्कर गए हैं, अजमेर पुष्कर, 1867 में दूसरी बार गए हैं, तो वहां नॉर्थ ब्रुक है, अंग्रेज अधिकारी हैं, और नॉर्थ ब्रुक से मिलकर के ऋषि दयानंद 1867 में गौ रक्षा की बात करते हैं। और गौ रक्षा की बात करते हैं तो गवर्नर जनरल के लिए नॉर्थ ब्रुक ने महर्षि दयानंद को एक पत्र लिख करके दिया कि आप उनसे मिलिए और उनसे निवेदन करिए, वहां संदेश पहुंचाइए अपना। रॉबिन्सन पादरी हैं, रॉबिन्सन के नाम का तो अजमेर में एक चौराहे पर बोर्ड लगा हुआ है, चर्च के कोने पर, धीमान जी ने देखा है, वहां रॉबिन्सन का बोर्ड है, तो वो रॉबिन्सन है। रॉबिन्सन पादरी एक पत्र लिखते हैं। देखिए हमारे देश की मनस्थिति क्या थी, जयपुर में ऋषि दयानंद गए, मथुरा से चले, 1863 में, कितना समय, 2-4 मिनट है अभी बहन जी, महर्षि दयानंद जब मथुरा से चले तो मथुरा से चल करके जयपुर गए, और जयपुर में ऋषि दयानंद उस समय तक शैव का खंडन नहीं कर रहे थे, तो जयपुर नरेश के हाथियों में के गले में रुद्राक्ष की मालाएं पड़ गई। थोड़े दिनों के बाद ऋषि दयानंद पुष्कर घूमते घामते गए और राजा ने यह विचार किया कि मुझे वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है तो वृंदावन तो वैष्णवों की नगरी है, और वैष्णवों की नगरी में शैवों का सत्कार हो जाए ये तो ऋषि दयानंद से पहले संभव नहीं था। और जिन मित्रों को लगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो जरा पुराण पढ़ लें, जहां शैव और वैष्णव एक दूसरे को कौवा और उल्लू कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि वो भले ही ब्राह्मण भी हो ना, कितना ही हो, छूना नहीं, देखना नहीं, हाथ नहीं लगाना, है ब्राह्मण भी हो पर है वैष्णव है, तो शैव कहते हैं नहीं नहीं नहीं, दर्शन भी नहीं करने, वही हाल दूसरे कह रहे हैं। उस समय में जब राजा राम सिंह
वृंदावन आने लगे तो महर्षि को बुलाया उन्होंने, वो चाहते थे चक्रांकितों के साथ रंगाचार्य के साथ महर्षि का शास्त्रार्थ करा लें। महर्षि ने कहा कि मैं तो सैवों का भी ऐसा ही खंडन करता हूं जैसा वैष्णवों का। ऋषि ध्यानंद को लगा कि ये तो सैव, क्योंकि मथुरा में तो उन्होंने वैष्णवों को देखा था, उनकी बुराइयां देखी थी, बाहर चल के लगाए तो सैव भी ऐसे ही है। तो ऋषि ध्यानंद ने कहा कि मैं सैवों का भी खंडन करता हूं, राजा चाहते थे सैवों के बारे में चुप रहें, प्रशंसा भी ना करें, वैष्णवों का खंडन कर दें। किंतु ऋषि दयानंद को यह स्वीकार नहीं हुआ। जयपुर नरेश नाराज हो गए। पादरी रॉबिन्सन ने एक पत्र लिख करके ऋषि दयानंद को भी दिया और राम सिंह सवाई राम सिंह को जयपुर को लिखा। उसने लिखा, बड़े खेद की बात है, अफसोस की बात है, आपने स्वामी दयानंद के साथ ऐसा व्यवहार किया है। वो इतने बड़े विद्वान हैं और एक पत्र महर्षि दयानंद को अलग से लिखा रॉबिन्सन ने जो दिया कि जो भी व्यक्ति इनसे मिले वो इनका बड़ा सम्मान करें, ऐसा दूसरा कोई विद्वान हमारी दृष्टि में अब तक वेद का नहीं आया, इतना बड़ा विद्वान ये रॉबिन्सन ने लिखा। और जयपुर नरेश कितने नाराज हुए थे। एक घटना महर्षि दयानंद के पत्र व्यवहार में है, वहां एक वैदिक धर्म सभा बन गई, आर्य समाज नहीं था तब तक, तो वैदिक धर्म सभा बना ली प्रारंभ में जयपुर के कुछ लोगों ने। उन्होंने एक उत्सव किया बड़े जोर शोर से। उस उत्सव में जब वेद का प्रचार हुआ तो वृंदावन के एक ब्रह्मचारी जी थे जो राजा के प्रिय थे और उनके गुरु के शिष्य थे, उसने राजा को कहा ये दयानंद के चेले जो नास्तिक हैं और भगवान का खंडन करते हैं उसको भी नहीं मानते और तुम्हारे राज्य में ये बढ़ रहा है, इनका क्या करो कि इनका भद्र करा करके राज्य से निकाल दो। भद्र कराने का अर्थ सिर मुंडवा करके राज्य से बाहर निकाल दो। अब जब ब्रह्मचारी जी का पत्र राजा पर था, राजा ने दो जागीरदारों को बुला लिया, ठाकुरों को, ठाकुर रघुनाथ सिंह और ठाकुर गोविंद सिंह, उनसे बुला करके वो पत्र दिया। ठाकुर रघुनाथ सिंह ने पढ़ करके कहा कि बिल्कुल ठीक महाराज कराइए, किंतु एक काम करना। अब ये किंतु तो ऐसा है ना, पहली बात नीची होती है, किंतु एक काम कराइए, इस जो नाम है ये 27 नाम जिनको देश निकाला दिए जाने की बात थी, रघुनाथ सिंह कहते हैं इन 27 में पहला नाम मेरा लिखिए, क्योंकि जयपुर में मैं ऋषि दयानंद का सबसे पहला शिष्य हूं। तो ठीक है, अब तक हमने आपकी कृपा से राज्य सुख भोगा, अब आपकी कृपा से इस वेश को भी धारण करेंगे, पर पहला नाम मेरा होगा। और ठाकुर रघुनाथ सिंह के इस वाक्य को सुनने के बाद राजा सहम गए और उन्होंने पत्र लेकर के रख लिया कि छोड़ो, और फिर किसी का भद्र नहीं हुआ और किसी को निकाला नहीं गया। ऋषि दयानंद ने उस पर एक अपनी प्रतिक्रिया दी और प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश में ईसाई और मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं, बड़े यही शब्द लिखे उन्होंने, किसी भी राजा को उनकी चिंता नहीं है, किंतु जो वेद की रक्षा के लिए कोई प्रयत्न कर रहे हैं तो उनके साथ ये व्यवहार किया जा रहा है, कितना अफसोस है। और धर्म की चिंता के लिए ऋषि, देखिए आज हम बड़ा रोते चिल्लाते हैं, आज सवेरे बात हो रही थी कि हम इतने घट गए, वो इतने बढ़ गए, ये इतने घट गए, वो उतने बढ़ गए, किंतु इसका समाधान भी ऋषि दयानंद ने दिया। और ऋषि दयानंद क्या करते हैं, ऋषि दयानंद सहारनपुर में है 1879, कर्नल अलकाट और मैडम ब्लेवेटस की भी ऋषि दयानंद से वहीं आकर के मिले थे, पहली भेंट उनकी सहारनपुर में ही हुई थी। ऋषि दयानंद अस्वस्थ थे, ऋषि दयानंद वहां के बाद देहरादून गए कुछ समय विश्राम करने के लिए कि जलवायु ठीक है और बड़ी बड़ी चीजें देखने की समझने की हैं कि ऋषि दयानंद को क्यों इतने दस्त लगे हुए हैं, एक एक दिन में 20-20 बार उनको जाना पड़ता है, एक एक दिन में 20-20 बार जाना पड़ता है, और ऐसा 20 दिन तक स्थिति रही और उसके बाद भी पूरी तरह से ऋषि दयानंद ठीक नहीं है, बहुत कमजोर हो गए हैं। और स्वयं ऋषि दयानंद ने पत्र में हरिश्चंद्र चिंतामणि को लिखा, क्योंकि कर्नल अलकाट और मैडम आ गए थे अमेरिका से मिलने के लिए। महर्षि ने कहा कि हम यात्रा करके बंबई नहीं आ सकते, तो वो ही मिलने फिर यहाँ आए और मिले। महर्षि दयानंद देहरादून गए, देहरादून जाकर के एक ठेकेदार थे मोहम्मद उमर, वो महर्षि दयानंद ने उनकी शुद्धि की और उनका नाम रखा अलखधारी, वो इतिहास की पहली शुद्धि है, यदि वो विचारधारा अपना ली गई होती।
और वहीं तक नहीं, पत्र व्यवहार आप पढ़ेंगे तो एक मिलेगा। केवल शुद्धि कर देना पर्याप्त नहीं है, शुद्धि के बाद बड़ी एक सोचने की बात है कि एक व्यक्ति एक वर्ग से निकलता है, जिस वर्ग से निकलता है उसकी बहुत सारी चीजें वहीं छूट जाती हैं, वो आपके बीच आकर के मिला या आप उनमें जाकर मिले, कितनी कठिनाइयां सामने खड़ी होंगी, परिवार छूट जाएगा, समाज बदल जाएगा, रोजी रोटी के साधन टूट सकते हैं, किंतु आर्य समाज ने, ऋषि दयानंद ने बराबर उनका ध्यान रखा। 1883 में जुलाई में श्रावणी पर सीताबाई की शुद्धि हुई अजमेर में, और शुद्धि करने के बाद आर्य समाज अजमेर कितना बड़ा रहा होगा उस समय, सोचिए कितनी बड़ी समाज रही होगी। आर्य समाज अजमेर ने सीताबाई के लिए 10 रुपए मासिक तय किए कि जब तक इसकी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं होती संतोषजनक, ये विधवा है, बच्चे हैं, और उसका पति बहुत अच्छी नौकरी करता था, बहुत बड़ा पैसा मिलता था, किंतु वो आ गए दबाव में और वो मर गए, तो विधवा का पालन पोषण कैसे होगा शुद्ध होने के बाद। आर्य समाज ने 10 रुपए मासिक नियत किए उसके लिए कि 10 रुपए आर्य समाज देगी मासिक। अब सोच करके देखिए, जब और उसको कढ़ाई बुनाई सिखवाने के लिए लाहौर फिरोजपुर अनाथालय में सिखाई जाती थी, उसके लिए बातें हुई। लाहौर की आर्य समाज क्या करती थी, महिलाओं को कढ़ाई सिखाई, मशीन सिला चलाना, कपड़े सीने के लिए, ये सारी चीजें आर्य समाज करती थी। और शिक्षा के संदर्भ में हम डीएवी किसकी बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, फिरोजपुर में अभी भी वो है, अनाथालय है, जो राजस्थान का अकाल पड़ा था, सबसे ज्यादा अनाथ बच्चों को फिरोजपुर ले जाकर के रखा गया था, दूसरा अनाथालय आगरा में बनाया गया था, वो सारे काम ऋषि की प्रेरणा से चलते थे। राजाओं के यहाँ अंग्रेज रेजिडेंट रहता है, उस समय थे राजाओं के यहाँ, और उस रेजिडेंट की अनुपस्थिति में कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं हो सकता था। ऋषि दयानंद राजाओं के यहाँ क्यों ज्यादा घूम रहे थे, ऋषि दयानंद चाहते थे कि हर राजा के यहाँ एक अपनी विचारधारा का, भारतीय विचारधारा का व्यक्ति बैठा दिया जाए, और उसके लिए ऋषि ने प्रयत्न किया। पंडित गौरी शंकर को, जो रुड़की के इंजीनियर थे, थॉमसन कॉलेज नाम था उस समय इसका, उनको शाहपुराधीश के यहाँ लगवाया। भाई जवाहर सिंह सरदार थे, भाई दित सिंह बाद में, अब वो एक अलग विषय हो जाएगा कि ये लोग फिर कहाँ चले गए ऋषि दयानंद के बाद, और क्यों कैसे कैसे बिखर गया वो मामला। भाई जवाहर सिंह आर्य समाज लाहौर के मंत्री हैं, और उनकी उन्होंने एक पत्र में लिखा कि मेरी जो रुचि है वो पॉलिटिकल विद्या में है, पॉलिटिकल शब्द लिखा उन्होंने PUL करके, कि पॉलिटिकल विद्या में मेरी स्वाभाविक रुचि है। तो ऋषि दयानंद ने भाई जवाहर सिंह को कहां भिजवाया, शाहपुराधीश के यहां लगवाया, किंतु अंग्रेज रेजिडेंट के चलते और कुछ दूसरे कर्मचारियों के चलते वो वहां ठीक से काम नहीं कर पाए, और ऋषि दयानंद की मृत्यु से 17 दिन पहले भाई जवाहर सिंह ने एक पत्र लिखा, और वो इतिहास ने सही सिद्ध किया। भाई जवाहर सिंह ने लिखा कि महाराज, इन राजाओं से इस देश का कोई भला नहीं होना, यदि आप कलकत्ता मद्रास बंगाले की ओर जाकर के प्रचार करते इतने दिनों में जितना जोधपुर समय लगा रहे हो तो बहुत अधिक काम हो गया होता, इतिहास ने सिद्ध किया हो गया होता अधिक शायद, और शायद ऋषि का प्राणांत ना होता, खैर जो भी हो, वो जोधपुर की स्थिति थी। जवाहर सिंह वापिस चले गए, भाई दित सिंह बाद में तो वेदी जी बैठे, पता नहीं सिख इतिहास आपने ज्यादा पढ़ा होगा, भाई दित सिंह को बड़ा महत्व दिया गया, ये किया भाई दित सिंह ने किया, भाई दित सिंह तो 6-7 साल तक ऋषि दयानंद के गीत गाता रहा लाहौर में, जवाहर सिंह के साथ 6-7 साल तक प्रशंसा करता रहा, और यहीं तक नहीं मुंशी राम जी तक की प्रशंसा करता रहा, किंतु समय बदला। अब ऋषि दयानंद ने जो गोरक्षा की बात की थी उसे कह करके मैं बात को किनारे पर लाऊंगा, समय बहुत होगा। कितने हस्ताक्षर हुए, ऋषि दयानंद ने लक्ष्य रखा था 2 करोड़ हस्ताक्षर करा करके महारानी विक्टोरिया के यहां भेजने का कि देश में गौ हत्या बंद होनी चाहिए, 2 करोड़ हस्ताक्षर का।
और बराबर प्रेरणा देते रहे, कितने ही पत्र आपको मिल जाएंगे। गोपाल राव हरि देशमुख प्रसिद्ध व्यक्ति हैं महाराष्ट्र के, 72,000 व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराए, और ऋषि दयानंद ने जो योजना बना करके दी थी, ऐसा नहीं था कि वैसे ही घर बैठ के हस्ताक्षर करा दो, दो परफोर में बनाए, दो परफोर में पत्र व्यवहार में हमने छापे भेजे, एक में जो व्यक्ति हस्ताक्षर करेगा हस्ताक्षर के सामने उसका पूरा नाम और पता होगा, और दूसरे परफोर में पर जो सही करने वाला व्यक्ति है वो क्या करेगा, वो उस परफोर में पर लिखेगा कि 10,532 व्यक्तियों ने ये हस्ताक्षर किए, अपना नाम पता लिख के सही कर देगा, और वो 10,532 के परफोर में सुरक्षित रखेगा। ऋषि दयानंद ने लिखा कि ये सुरक्षित रखने, जरूरत पड़ने पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं, मेमोरेंडम देना तो जितना छोटा होगा हो जाएगा। 72,000 व्यक्तियों के हस्ताक्षर गोपाल राव हरि देशमुख ने कराए। अलीगढ़ में छोटा सा, आज तो गांव है, कस्बा सा भी नहीं है, टाउन भी नहीं, कोटिला, वहां कोई ठकुरानी थी, ठकुरानी साहिबा ने 9,300 कुछ हस्ताक्षर कराए। एटा के ठाकुर जालम सिंह रूपधनी ऋषि दयानंद के भक्त हैं, बराबर पत्र व्यवहार करते रहते हैं, ऋषि दयानंद देश में कहीं भी हो, जालम सिंह रूपधनी, ठाकुर मुकुंद सिंह छलेसर, बड़े पत्र, और यहां तक निकटता है कि एक बड़ा रोचक पत्र व्यवहार है। ठाकुर जालम सिंह ऋषि दयानंद को कहते हैं कि मैं ये 70 रुपए आपके पास भेज रहा हूं हुंडी से, इसमें 20 रुपए की तो मेरे लिए आप एक घड़ी मंगवा दीजिएगा, बम्बई से मेरे लिए घड़ी मंगवा दीजिएगा 20 रुपए की, और ये 20 रुपए उनके और ये मेरे, ये सब दान खाते में जमा कर लीजिएगा, 70 रुपए आपको हुंडी से भेजते हैं। तो ऋषि दयानंद अपने भक्तों का काम करते थे, घड़ी भी मंगाई। पत्र व्यवहार में ऐसी रोचक बात भी मिलेंगी, किसी ने लिखा महर्षि को कि वहां सुरमा बहुत अच्छा बनता आप हैं तो मेरे लिए 1.5 तोला सुरमा भिजवा दीजिए। महर्षि दयानंद पत्र में और बातें भी लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि 1.5 तोला सुरमा रजिस्ट्री करा करके आपको भेज दिया गया, उसका इतना खर्चा, उतना खर्चा है। तो ऋषि दयानंद की दृष्टि इतनी व्यापक है, उस सारी चीजों को पढ़ करके ये लगता है कि ये एक व्यक्ति कितने काम कर रहा है। देखिए सायण को पढ़ के हमें लगता है कि इतना सारा साहित्य लिख दिया, किंतु सायण के पास बुक साम्राज्य था विजयनगर का, है? कितनी बड़ी शक्ति थी और कितने पंडितों की फौज रही होगी जिसने, वो एक व्यक्ति का काम नहीं है सायण का साहित्य, इसलिए उसकी चर्चा नहीं करता, किंतु कितने पंडितों ने मिलकर किया। ऋषि दयानंद के पास क्या था, ऋषि दयानंद बोलते हैं तो लेखक हैं, पैसा देना है, पैसा कौन देता है। ऋषि दयानंद अपने भक्तों को कहते हैं कि हमको एक लेखक चाहिए, एक ये चाहिए, इसे चाहिए, 100 रुपए महीने का खर्चा लगेगा इनका, 50 रुपए तो मासिक कौन देगा, आर्य समाज फर्रुखाबाद देगा, सबसे ज्यादा सहायता देती थी फर्रुखाबाद, लाला कालीचरण रामचरण सेठ निर्भय राम सब, कि 50 रुपए तो फर्रुखाबाद देगा और 50 रुपए आपको और आपको और आपको मिलकर हर महीने देने हैं, तो 100 रुपए में तब ये हमारे लेखकों का वेतन निकलेगा। तो ये सारी चीजें देखें, ऋषि दयानंद के जीवन को उठाकर देखें, अंतिम बात कहकर के समाप्त करूं कि ऋषि दयानंद का विदेशियों से संबंध कितना, और ऋषि दयानंद उस जमाने में कोई भी धर्म पर आक्षेप हो, संस्कृति पर आक्षेप हो, तो ऋषि दयानंद कितने जागरूक हैं। एक व्यक्ति है जोसेफ कुक, बालकेश्वर बंबई में है, और बालकेश्वर बंबई में उन्होंने व्याख्यान दिए जोसेफ कुक ने। जोसेफ कुक ने तीन बातें कही, वैसे तो दो हैं पर घुमा फिरा कर उन्होंने तीन बना दी उसकी, उन्होंने तीन बातें कही। एक बात तो उन्होंने कही कि जो क्रिश्चियन धर्म है ये ईश्वर मूलक है, ईश्वर मूलक है क्रिश्चियन धर्म। दूसरी बात कही कि सारे संसार में क्रिश्चियन धर्म ही व्याप्त होगा और कोई नहीं रहेगा, यही टिकेगा। और पहली बात को घुमा करके कहा है कि कोई धर्म ईश्वर मूलक नहीं है, पहले में कह रहे हैं क्रिश्चियन ईश्वर मूलक है, तीसरी कोई अर्थ नहीं, दो ही बातें हैं।
जब ऋषि दयानंद को पता लगा कि बालकेश्वर मुंबई में जोसेफ कुक ने व्याख्यान देकर के कहा कि बाइबिल ईश्वर का ग्रंथ है, क्रिश्चियन धर्म ही है, शास्त्रार्थ की चुनौती दे दी और कह दिया कि जो अमुक स्थान है उस पर हमारा इस तारीख को व्याख्यान होगा एक सप्ताह बाद का, और हम इनका खंडन करेंगे, आप वहां आइए शास्त्रार्थ करिए, अन्यथा आपको सुविधा नहीं है तो अपनी रुचि का स्थान चुन लीजिए, अपनी रुचि की तारीख तय कर लीजिए, हम वहीं आ जाएंगे। ये नहीं है कि पीछा छुड़ाने वाली बात है नी, कावजी फ्राम जी ऐसा करके वो एक संस्थान है जहां ऋषि के व्याख्यान हुए, जोसेफ कुक को उत्तर दिया। कांग्रेस का संस्थापक एओ ह्यूम, इसने भी कुछ आक्षेप किए, ऋषि दयानंद ने एओ ह्यूम को उत्तर दिया। और जो विदेश है, देखिए ध्यान रखने की बात है कि ऋषि दयानंद कभी विदेश नहीं गए दुनिया में कहीं भी। अंग्रेजी सीखने की बात आई थी, मैक्स मूलर ने उनको कुछ कहा था कि आप धन्य भाग हैं उस देश के, मैक्स मूलर ने लिखा ऋषि दयानंद को, धन्य भाग हैं उस देश के जहां आपका जन्म हुआ, आप विदेश आइए। लेखराम जी के जीवन चरित्र में तो आता है कि उन्होंने अंग्रेजी सीखने के लिए एक व्यक्ति भी नियत किया था लखनऊ में, और जो भाटिए थे उन्होंने कहा था हम आपको विदेश तक ले करके जाएंगे, ये मीमांसक जी की टिप्पणी है उस पर। खैर वो जो भी रहा हो, ऋषि दयानंद के बारे में 1878 में संडे मैगजीन में लेख छपा है, ऋषि दयानंद कुर्सी पर बैठे हुए, फोटो जैसे ये मकान है इसके सामने से फोटो लिया गया हो ऐसी जगह। और लाहौर में कितनी आर्य समाजें हैं, पूरे देश में कितनी आर्य समाजें हैं, और लेख का शीर्षक है मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया, मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया, और ऋषि दयानंद पर पूरा विवरण पूरे पेज पर भर के दिया हुआ ऋषि दयानंद 1878 का है। आज हमने किसी किसी को कहां से कहां पहुंचा दिया जो चलना सीख रहे थे 78 में, किंतु ऋषि दयानंद पर तब छपा 1878 में। और एक व्यक्ति कहता है कि मुझे अलकाट साहब के बारे में मिला, मैं जो देवतावाद है इस पर जानना चाहता हूं, आध्यात्मिकता पर जानना चाहता हूं, पत्र लिखता है अलकाट के माध्यम से, फिर सीधा भी लिखता है, ऋषि दयानंद उसको उत्तर भी देते हैं। और वो कहता है, लिखता है फिर ऋषि दयानंद को दूसरे पत्र में, मैंने मद्यपान और मांसाहार छोड़ दिया है, मैंने मद्यपान और मांसाहार छोड़ दिया है। तो इस तरह से पश्चिम के जितने व्यक्ति, जे एच विल्सन जो दानापुर में अधीक्षण अभियंता हैं, वो अपनी कोई समस्याएं धार्मिक लेकर के बात करते हैं ऋषि दयानंद से विदेश। किंतु एक अंतिम बात, ऋषि दयानंद ने जर्मनी में पत्र व्यवहार किया टेक्निकल एजुकेशन के लिए, 9 पत्र मिलते हैं, संख्या में 8 है नंबरिंग जो पत्र व्यवहार में मिलेगा, एक पत्र कै और खै करके मिलेगा आपको, और कै और खै करके इसलिए मिलेगा कि वो पत्र पहले पत्र का आंशिक भाग है जो बाद में भेजा गया है, उसमें लिखा है कि ये पूर्व उस पत्र के साथ है, तो इसलिए वो संख्या 9 भी हो जाएगी, 8 कर लीजिएगा। कुल मिलाकर के वो 8 पत्र अंग्रेजी में जो जी वाइज ने लिखे हैं वो 38 पृष्ठों में हैं, और ऋषि दयानंद ने इनके उत्तर जरूर दिए, क्योंकि वो जी वाइज लिखता है कि इस तिथि का आपका पत्र मुझे मिला, आपने जो ये बात कही कि भारत के विद्यार्थी जाएं क्या सीखने जाएं, घड़ी बनाना, सॉल्ट हैंड, ये सीख है। तो ऋषि दयानंद ने, अब ये लोकतंत्र कई बार घातक भी होता है तो वो चीजें नहीं चल पाई, खैर बहुत सारे संदर्भ रहे हैं, तो ये 1492 पृष्ठों में ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार है। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ऋषि दयानंद के बारे में जो अब तक हम समझते रहे, ऋषि दयानंद उससे कहीं बहुत बढ़कर के है। ऋषि दयानंद केवल धर्माचार्य नहीं है, ऋषि दयानंद हरिजनों में जाकर के उपदेश देता है, पूना में ज्योतिबा फुले की पाठशाला जाता है। तो ऐसा जो ऋषि दयानंद है उसका मूल्यांकन सही सही करने के लिए अभी तो बहुत प्रयास अपेक्षित हैं। आपने धैर्य के साथ सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न उत्तर के लिए समय निकल गया है, बल्कि अगले पत्र पर भी शायद हम प्रश्न उत्तर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया से प्रोफेसर रणवीर, लेकिन जो विषय डॉक्टर वेदपाल जी ने हमारे समक्ष रखा, जितनी सूचनाएं दी वो इतनी महत्वपूर्ण थी,
कि उनको हमारे लिए जानना बहुत अनिवार्य है, और मुझे लगता है कि हम में से अधिकांश जन वो खरीदेंगे ग्रंथ जो परोपकारिणी सभा से छपे हैं, और उनको इस परिप्रेक्ष्य में पढ़कर कुछ और आगे अपनी जानकारी बढ़ाएंगे। ये सूचना दे दीजिए कि इसका संपादन इन्होंने ही किया है, जिन्होंने बताया वो अपनी बात तो बताया नहीं कि मैंने नहीं, वो अपने बारे में बता ही नहीं रहे, उनका काम बता रहा है। अब बिना विलंब किए मैं आई नाउ इनवाइट डॉक्टर श्री सूर्य नारायण नंद जी। ही इज फ्रॉम ह्यूस्टन टेक्सस USA एंड ही होल्ड्स द आचार्य पोजिशन एट वैदिक कल्चर सेंटर आर्य समाज ग्रेटर ह्यूस्टन। He was an assistant professor of Sanskrit at St. Stephen's College, Delhi, news broadcaster in Sanskrit on DD News and All India Radio. He taught Vedic literature at Gurukul Dayanand Vedarsh Mahavidyalaya, Gautam Nagar also. Worked as a full-time volunteer pracharak promoting Sanskrit language as a spoken language for more than 11 years. And he also participated and directed numerous classical Sanskrit theater plays. So without any delay, I invite him, and his topic is theory of creation as propounded by Swami Dayananda Saraswati. Thank you, sir. Slide left. नमस्ते एवरीवन, नमः सभायै सभापतये च। सो विदाउट मीटिंग डिले, सो माय टॉपिक इज वैदिक थ्योरी ऑफ क्रिएशन एज प्रोपाउंडेड बाय Swami Dayananda. So there has always been a mystery about how the universe began and whether and when it will end. Religions, beliefs, philosophers and scientists have their own different perspectives, and Vedic texts also, especially the Vedic Sangeetas, also encapsulate profound philosophical ideas and insight into the nature of existence, including the theory of creation. Scientists are also trying their best to explain the creation of the universe from a scientific point of view, along with experimental evidence. In some cases, it is found that science and Vedic texts are converging, and in other cases it is seen that they are not. So here Swami Dayananda Saraswati offered a profound interpretation of the Vedic theory of creation, and this essay seeks to delve into the intricate layers of the theory as expounded by Swami Dayananda Saraswati. So normally if you find 20th century से पहले, before 20th century, साइंटिस्टों का बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, जो कॉस्मोलॉजी जिसको हम कहते हैं, एंड मे बी इन 20th century gradually they try to experiment, get some evidences concerning the creation of universe. They have put forward many theories regarding it, but three principles are given the most credence. Most of you know, these are the Big Bang theory, the steady state theory,
एंड ऑस्किलेटिंग थ्योरी, दोहन सिद्धांत, बिग बैंग मीन्स विस्फोट सिद्धांत, स्टडी स्टेट थ्योरी मीन्स ऑलवेज इन द सेम स्टेट, हमेशा एक जैसे रहने वाली स्थिति, और ऑस्किलेटिंग मीन दोहन सिद्धांत. बट इन कॉस्मोलॉजी आउट ऑफ ऑल दिस थ्योरीज द बिग बैंग थ्योरी इज करेंटली द डोमिनेंट थ्योरी अबाउट द अर्ली डेवलपमेंट एंड करेंट शेप ऑफ द यूनिवर्स. So we'll talk little bit about all the three theories and we'll try to connect with the Vedas. Then we'll go back to the Swamiji's theory. So the first, the Big Bang theory. So आप please slide भी देखते रहिए क्योंकि mostly चीजें आपको slide में मिलेगा. So most scientists believe the universe began with the Big Bang about 14 billion 14 अरब वर्ष पहले. At that time, the entire universe was contained in a single point, like a singularity ke roop mein tha, which was hotter, denser than anything we can imagine, and then it exploded. The matter flung out of from the explosion condensed into lumps called as galaxies, and which are still rushing outwards. As the universe grows old, the matter in it thins out. The expansion continues indefinitely. So most of चीजें आप जानते हैं सोलर सिस्टम कैसे बना. So my point is, so the same theory we found in Manusmriti, although it has nothing to do with Swami Dayananda ji, but it is interesting to quote, and I'm quoting here the Manusmriti. Asididam tamabhutam apragyatam alakshanam अप्रत्यर्क्यम अविज्ञेय प्रसुप्तमिव सर्वतः तदंडम अभवत् हैमं सहस्र सहस्रांशु समप्रभम तस्मिन् यज्ञे स्वयं ब्रह्म सर्वलोक पितामह तस्मिन् नन्दे स भगवान् उषित्वा परिवत्सरम स्वयमेव आत्मनोध्यानात् तद तदंडम अकरोद्विधा ताभ्याम च सकलाभ्याम च दिवं भूमिं च निर्ममे मध्ये व्योम दिशश्च अष्टावपाम स्थानम च शाश्वतम. द इंग्लिश ट्रांसलेशन इज देयर. ओरिजिनली दिस यूनिवर्स एग्जिस्टेड इन द शेप ऑफ डार्कनेस अनपरसीव्ड डेस्टिट्यूट ऑफ डिस्टिंक्टिव मार्क्स दैट शाइनिंग एग. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. यू नो द यूनिवर्स इन हिंदी इन संस्कृत कॉल्ड ब्रह्मांड एंड वी विल नो अबाउट द हिरण्यगर्भ. इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग मेटाफोरिकल यूज दैट शाइनिंग एग स्प्लेंडेंट like the aggravative effulgence of thousands of suns, etc., etc. And the egg was broken compared with the Big Bang. Out of those broken parts, the God created the heaven, the earth, sky, directions, etc. अब हम आते हैं प्योरली स्वामी जी के जो पर्सपेक्टिव है वैदिक कॉन्सेप्ट में. द स्टडी स्टेट थ्योरी इसको समझने के बाद हम कनेक्ट कर पाए. इट सेज दैट द यूनिवर्स नेवर ओरिजिनेटेड इन एनी वन इंस्टेंट नॉर विल इट एवर डाई. द यूनिवर्स हैज ऑलवेज एग्जिस्टेड इन मच द सेम फॉर्म एज द प्रेजेंट. द गैलेक्सीज रश अपार्ट, न्यू मटेरियल इज क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग फिल द स्पेस द लीव सो दैट the overall appearance of the universe remain constant. And the second theory, that is the oscillating theory, suggests that expansion of the universe will eventually slow down and stop, followed by a contraction of the galaxies into another Big Bang. The universe therefore continues in endless cycle of expansion and contraction. According to this theory, there is no one time creation. So now come to the what our Vedic texts are suggesting, and Swamiji is quoting those Vedic mantras in their Rig Veda Adi Bhashya Bhumika, Satyarth Prakash, and Veda Bhashya, etc. So Vedic text stated that the universe is not a result of any accidental incident. The entire process of creation, sustention and dissolution, srishti, sthiti and pralaya of the universe is governed by an eternal universal law
named Rita, that is the cosmic order. In Vedic word, that is called Rita. Ridam cha satyam cha vidhat tapasodhya jayata ratoratra jayata tatasamudra varnava. Rig Veda 10.191, and there are some other references related to Ritam. Rig Veda 4.23.10, 5.12.2, 3.4.7. The Vedic theory of creation, as per the Swami Dayanand Saraswati's view, the Vedic theory of creation can be understood through the prism of cosmic principles and natural laws, that is called Ritam, and the Satyam, the social order. He posited that the universe undergoes cyclical processes of creation, preservation, and dissolution, respectively. I'm quoting Swami Dayananji from Satyarth Prakash, 8 Samulas. Jaise din ke purv raat, raat ke purv din, तथा दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन बराबर चलाता है, इसी प्रकार सृष्टि के पूर्व प्रलय, प्रलय के पूर्व सृष्टि, सृष्टि के पीछे प्रलय, प्रलय के आगे सृष्टि, अनादिकाल से चक्र चल रहा है, चक्र मीन द साइकिल, है ना। इसकी ना आदि है ना अंत है, किंतु जैसे दिन या रात का आरंभ और अंत देखने में आता है, उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय का आदि अंत होता रहता है, इट सीम्स। क्योंकि जैसा परमात्मा जीव जगत का कारण तीन स्वरूप से अनादि है, वैसे ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति, वर्तमान और प्रलय प्रवाह से अनादि है। यस्टरडे आल्सो इस टॉपिक पर डिस्कस हो रहा था, प्रवाह नित्यता, है ना। और वो स्वामी जी उसको, वो प्रवाह नित्यता को डिफाइन करते हैं मेटाफोरिकली, जैसे नदी का प्रवाह वैसा ही दिखता है, कभी सूख जाता है, कभी नहीं दिखता, फिर बरसात में दिखता है, उष्ण काल में नहीं दिखता, ऐसे ही व्यवहारों का प्रवाह रूप जानना चाहिए, एक्सेट्रा। सो दिस इज द पिक्चर अबाउट द साइक्लिक मोड ऑफ द क्रिएशन, रिजोल्यूशन, एंड व्हाट आर द प्रोसेसेस व्हाट मॉडर्न साइंटिस्ट आर डिस्क्राइबिंग। एट द हार्ट ऑफ स्वामी दयानंद's इंटरप्रिटेशन lies in the concept of God, the supreme reality, which is formless, infinite, and omnipresent. God is the sufficient cause and sustainer of the cosmos, pervading every aspect of creation. Before that, I am quoting Swamiji, Hiranyagarbha Satyat Prakash, 8 Samulas. Swamiji himself is quoting Hiranyagarbha mantra, and the translation is, hey manushyo, jo sab suryadi tejasvi padarthon ka aadhar, jo yah jagat hua tha, hey aur hoga, uska ek advitiya pati paramatma srishti ke pehle, is jagat ki utpatti ke purv vidyaman tha, jisne prithvi se lekar surya paryant jagat ko utpann kiya, us paramatma dev ki prem sam bhakti kare. And also he quotes पुरुष सूक्तम पुरुषैवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं एक्सेट्रा। हे मनुष्यो, जब सब में पूर्ण पुरुष और जो नाश रहित कारण और जीव का स्वामी, जो पृथ्वी आदि जड़ और जीव से अतिरिक्त है, वही पुरुष इस सब भूत भविष्य और वर्तमानस जगत को बनाने वाला। अगेन ही इज कोटिंग तैतिरीय उपनिषद भृगुवल्ली, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड ऑल्सो कोटिंग ब्रह्मसूत्र 1-2 जन्माद्यस्य यतः। एंड देयर इज आल्सो वन क्वेश्चन आंसर सेशन, प्रश्न, यह जगत परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है या अन्य से? उत्तर, निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ, परंतु इसका उपादान कारण प्रकृति है। सो नाउ द टॉपिक कम्स अबाउट द न्यू वर्ड पुरुष एंड प्रकृति। तो पुरुष basically it's a Sankhya philosophy, but you can find it in Upanishadic literature everywhere. The Purusha Prakriti, the universe is manifested from the Prakriti. Prakriti is a terminology, it means the primordial state of the material universe. And you can say the raw material of the whole created universe. The Prakriti here refers the basic cosmic material, that is the root of all beings, the primordial material energy, which encompasses the entire spectrum of existence from the subtle to the gross. Again, I am quoting Swamiji,
प्रश्न एंड फ्रॉम सत्यात प्रकाश अष्टम समुल्लास, जगत के कारण कितने हैं? आंसर देते हैं तीन, निमित्त, निमित्त मीन्स एफिशियंट कॉज, उपादान मीन्स मैटेरियल कॉज एंड साधारण मीन्स जनरल कॉज। निमित्त कारण क्या है, इसको कहते हैं जिसके बनाने से कुछ ना बनाने से कुछ बने, ना बनाने से ना बने, पर आप स्वयं बने नहीं, दूसरे को प्रकारांतर से बना देवे। उपादान कारण, चलिए मैं इसको शॉर्टकट में कर देता हूं, उपादान कारण मीन्स द मेटेरियल कॉज है, मोस्ट ऑफ यू अंडरस्टैंड। एंड हियर ऑल्सो स्वामी जी इज गिविंग अनदर एस्पेक्ट, दैट इज द देयर आर टू टाइप्स ऑफ एफिशियंट कॉज, एक तो परमात्मा है ही सृष्टि का कारण, एफिशियंट कॉज, जो सृष्टि स्थिति प्रलय आदि का मुख्य निमित्त कारण परमात्मा, एंड ऑल्सो सेइंग दैट पर द अनदर एफिशियंट कॉज इज परमेश्वर की सृष्टि में, सृष्टि में से पदार्थों को लेकर अनेक विध कार्यांतर करने बनाने वाला साधारण निमित्त कारण जीवात्मा भी है, बिकॉज ह्यूमन बींग ऑल्सो मेक्स सो मेनी थिंग्स, डिस्ट्रॉय, मेक्स एंड कीप इट। व्हाट इज अबाउट उपादान कारण, प्रकृति, परमाणु, जिसको आप कह सकते हैं वो एटम वर्ड इज नॉट राइट वर्ड, क्योंकि आजकल एटम भी अब सटलिस्ट फॉर्म नहीं रहा, सो हो सकता है 20-25 साल पहले तक हम एटम वर्ड कहते तो समझ में आता है। सो द सटलिस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर इज कॉल्ड परमाणु, तो दैट इज प्रकृति, जिसको सब संसार के बनाने की सामग्री कहते हैं, वो जड़ होने से आपसे आप नहीं बनता, जड़ मीन्स इनसेंटिएंट, ना बिगड़ सकती है, किंतु दूसरों के बनाने से बनती है, दूसरों की दूसरों के बिगाड़ने से बिगड़ती है। विद इन द वैदिक व्यू देयर इज एन अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ मैटेरियल एनर्जी दैट इज कॉल्ड प्रकृति, और द अदर वर्ड इज प्रधान, दैट इज द सोर्स ऑफ ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इट इज ए प्राइमोडियल मैटर। So now we are coming to the evolution process of the material world. There are two words, prakriti, the primordial state, vikriti, the manifested form. Like the, you can say the 24 karat gold, which is, you cannot produce anything from that 24 karat gold. You have to mix something, and then the ornaments, the other things made of gold is called vikriti. Or the other example is the milk and the milk products, dahi, paneer, adi adi. So that's how the metaphor to understand the prakriti, the primordial state of matter, and vikriti, the manifested form of the matter. All matter has three basic attributes. The prakriti ke teen, you can say three particles combined called prakriti, we call it sattva, raja, tamaha. Sattva, lightness, raja, passion or activity, tamaha, darkness or inertia. I'm quoting Swamiji because the time is short, so I'm making it shorter. I'm quoting Swamiji, sattva, raja, tamasam, samyavastha, prakriti, prakritir, mahan, mahato, ahankar, ahankarat, panchatanmatrani, उभयम इंद्रियम पंचतन मात्रिभ्य स्थूल भूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गण सांख्य सूत्र 161, स्वामी जी आल्सो कोटिंग इट फ्रॉम सांख्य सूत्र एंड इट्स एक्सप्लेनिंग सत्व शुद्ध रज मध्य तम जाड्य अर्थात जड़ता दैट इज इनर्शिया तीन वस्तु मिलकर जो एक संघात एक कॉम्बिनेशन है उसी को प्रकृति उसी का नाम प्रकृति है इससे महत्त्व बुद्धि अहंकार अहंकार से पंच तन्मात्रा आई एम शोइंग यू the full chart, the evolution of the material universe, the primordial state that is called prakriti, from prakriti is mahat, then the ahankara, these are all terminologies, don't misunderstand with the ahankara means ego and something, these are all terminologies, and from the ahankara there are mind, five sense organs, five organs of action, tanmatrayam, the subtle material things, and pancha mahabhutas. From tanmatra, there are pancha mahabhutas, mean the great elements.
So I'm not quoting it because of the time. But one thing I want to quote from Swamiji, and that is, इससे नाना प्रकार की जब सृष्टि हो गई, everything is now, जब five basic gross elements are now in their manifested stage, then उससे फिर नाना प्रकार की औषधियां, वृक्ष आदि, उनसे अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से शरीर होता है, परंतु अब it's come to the biological creation. तो स्वामी जी कहते हैं, आदि सृष्टि मीन्स द बायोलॉजिकल क्रिएशन, जब प्राणी आते हैं तो कहते हैं वो हमें मैथुनी सृष्टि नहीं होती है, क्योंकि जब स्त्री पुरुषों के शरीर परमात्मा बनाकर उनमें जीवों का संयोग कर देता है तदनंतर मैथुनी सृष्टि चलती है. तो सत्यार्थ प्रकाश 8 समुल्लास. सो हु इज पुरुष? The Purusha means the Paramatma, God is called Purusha. So I don't have time to explain why he is called Purusha. Purusha is the Supreme Spirit in the primary efficient cause of creation, sustention and dissolution of the universe. The process of generation proceeds from subtle level to gross and that of dissolution from the gross to the subtle. So it's a cyclic mode. Gross to subtle, subtle to gross. That's how the universe and everything in this universe is constantly going through the process of that. So the universe runs in a cyclic order. So the mantra is given here, Rigveda 10.193. Surya Chandrama Saudhata Yatha Purva Makalpayat Divam Cha Prithivim Chantariksha Mathosvaha. So there is a word for universe. There are two words, samsara. Samsara means which is in a continuous flow. And the jagat also which is always in a motion. So even the words in Sanskrit we use for the universe, it itself give the sense of the universe and everything in this universe is constantly motion. The universe runs in a cyclic order. So creation follows dissolution, dissolution follows creation, both proceed each other, just like I quote you. And also, it's not only Rigveda's quoting, the Swamiji also quote this mantra, and he said here, I quote, Jaise din ke purv raat, aur raat ke purv din, tatha din ke piche raat, aur raat ke piche din barabar chalata hai, usi prakar srishti ke purv pralay, प्रलय के पूर्व सृष्टि तथा सृष्टि के पीछे प्रलय और प्रलय के आगे सृष्टि अनादि काल से चक्र चलाता है. इसकी आदि और अंत नहीं. जो प्रवाह नित्य है ना, द यूनिवर्स इज नॉट नित्य, बट द क्रिएशन डिजोल्यूशन, द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन डिजोल्यूशन, दैट इज प्रवाह नित्य. किंतु जैसे दिन और रात का आरंभ और अंत देखने में आता है, उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय का आदि अंत होता है. क्योंकि जैसे परमात्मा जीव जगत का कारण तीन स्वरूप से अनादि है, वैसे जगत की उत्पत्ति स्थिति वर्तमान और प्रलय प्रवाह से अनादि है. सत्यार्थ प्रकाश 8 समुल्लास. सो आई एम नॉट गोइंग टू द एज ऑफ द यूनिवर्स. सो आई एम जस्ट स्किपिंग दिस पार्ट बिकॉज टू अंडरस्टैंड द एज ऑफ यूनिवर्स वी नीड टू अंडरस्टैंड द वैदिक यूनिट ऑफ टाइम एंड स्टार्ट फ्रॉम परमाणु. यू कैन सी how small, how subtle particle it is, how the subtlest unit of number, then anu, trasharenu, truti, itself it takes time. So I'm going to give you the big numbers. Yeah, this is the big number. So what we call Kali, Dwapara, Treta, Satya, these are all actually time units. 432,000 years unit is called Kali Yuga. 864,000 years unit is called Dwapara. 1296,000 years unit is called Treta. 1728,000 years unit is called Satya. If you combine it, that is called Mahayuga. Mahayuga means combination of four yugas. And 71 Mahayugas is equal to one Manvantara. 14 Manvantara equal to one Kalpa. And one kalpa is one Brahma day. Day means only 12 hours, you know, the daytime. And one kalpa is Brahma night.
So in the other sense, you can say two kalpas are that ahoratra, Brahma ahoratra. So what is day? The state of creation. What is night? State of dissolution. So की उत्पत्ति का कितना समय था? स्वामी जी लिखते हैं 1,96,000 अभी तक टिल नाउ 1,96,000 करोड़ कई लाख और कई सहस्र वर्ष जगत की उत्पत्ति और वेदों के प्रकाश होने में हुए इत्यादि बाकी चीजें मैं स्किप करता हूं। जो पूर्व चतुर्युगी लिखाए हैं उन 1,000 चतुर्युगियों का ब्रह्म दिन संज्ञा रखी है, उतनी ही चतुर्युगियों की रात्रि संज्ञा जाननी चाहिए। जो सृष्टि की उत्पत्ति करके 1,000 चतुर्युगी पर्यंत, 1,000 चतुर्युग 71 महायुग आज, ईश्वर सबको बना रखता है, दैट इज कॉल्ड ब्रह्म दिन। 1,000 चतुर्युग, थैंक यू। हजार चतुर्युग पर्यंत सृष्टि को मिटा के प्रलय अर्थात कारण में लीन रखता है, उसका नाम ब्रह्मरात्रि, अर्थात सृष्टि के वर्तमान होने का नाम दिन, प्रलय होने का नाम रात्रि। सो नाउ कम द वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। कितना मिनट है मेरे से? ओके ओके। सो या द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द होल थ्योरी इज व्हाट वाज द स्टेट ऑफ यूनिवर्स बिफोर क्रिएशन, इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन एंड आफ्टर क्रिएशन। So I'll try to summarize as much as possible. So here I'm quoting the famous, world famous Sukta, is called Nasadiya Sukta. The Eastern, Western, most of scholars know this Sukta because of its importance. That is, what was the state of universe before the creation? न सदासिन्नो सदासित् तदानीं नासित् रजो नो व्युमापरो यत् किमावरिवः कुहकस्य शर्मन्नम्भ किमासीद् गहनं गभीरं न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्यान्न आसीत् प्रकेत आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परकिञ्चनास एक्सेट्रा। इट मीन्स नीदर देर वाज नॉन एग्जिस्टेंट नॉर एग्जिस्टेंट Nor there was any realm or region. How could there be existing this unfathomable profound plasma? The apaha means not the drinking water. It's a in the beginning of creation, the something unexplainable liquid form that is called plasma. Neither there was death nor at that period immortality. There was no indication of day or night. The breathless one breathed often, as if by its own automation. Apart from that one, there was nothing else whatsoever. And that was only the Paramatma. The whole universe in the dormant stage. Even the Jivatmas are in the dormant stage. There was darkness concealed in darkness. This all was indiscriminate chaos. All that existed then was void and formless. स्वामी जी ने इनके कोट किया है, मैं आप उनको स्वामी जी की अर्थ नहीं दे रहा हूं। सो दिस इज देयर इज अ होल सूक्त नासदीय सूक्त। नाउ कम टू द प्री स्टेट ऑफ क्रिएशन। जब बच्चा पैदा होता है ना तो प्रेगनेंसी पीरियड भी तो होता है, एंड दैट प्रेगनेंसी पीरियड इन आवर वैदिक लिटरेचर इट इज कॉल्ड हिरण्यगर्भ। इफ यू लूजली ट्रांसलेटेड It will be golden ohm or universal jar. And I'm quoting it. Before formation, the universe come into a state of emptiness where all its material elements exist in the form of potential as space particles. Like Rigveda 10.121 describe the Hiranyagarbha. Literally, Hiranya means gold. Metaphorically, it's shining. The galaxies, the light, these are called Hiranya. And in the beginning, the God is everywhere, is all pervasive. The universe starts and it's inside him. This is the process. And Paramatma itself is the Hiranyagarbha.
हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रभूतस्य जात पतिरि हिरण्यगर्भ समवर्तत अग्रे स दाधार पृथ्वीम द्याम उत इमाम. सो दैट एक्सप्लेन्स ए लॉट अबाउट द व्हाट इज द स्टेट ऑफ व्हेन द यूनिवर्स इन द प्रोसेस ऑफ बिगिनिंग. सो नाउ कम टू द प्रोसेस ऑफ द क्रिएशन ऋग्वेद 10.190 सूक्त. इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द सूक्तस देवता ऑफ द सूक्त देवता मीन्स सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूक्त इज भाववृत्तम. यू नो भाववृत्तम द स्टोरी ऑफ क्रिएशन. वृत्तम इन स्टोरी डिस्क्रिप्शन ऑफ भाव क्रिएशन द इटर्नल आई एम कोटिंग इट ऋतम च सत्यम चाविद्धा तपसुवध्यजायत ततोरात्रजायत ततः समुद्रवर्णवः समुद्राधरणवादधि संवत् सर्वजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वसमिषतो वशी ओं सूर्य चंद्रमसौधाता यथा पूर्वम अकल्पयत् दिवं च पृथ्वीं चान्तरिक्षमथो स्वः एक्सेट्रा. द सिंपल मीनिंग द इटर्नल लॉ एंड प्राइमोडियल मैटर वेर मैनिफेस्टेड बाय गॉड्स ओमनिपोटेंस. Then the darkness of the deluge appeared. Then the great expanse of sparkling particles and dense form of plasma came into being. After the creation of plasmic ocean, the division of time came into existence. That is Samvatsara. The controller of the universe devised the days and the nights without any effort. The support of the universe brought into existence the stars and planets, such as the sun and the moon, the earth, the celestial region, the mid-space, the other luminous bodies. In this cycle, as in the previous ones, that is the cycle. So now last, the most interesting part, what the modern scientists are saying, the astronomical. And I'm connecting with the Turiya concept of Turiya Pada. The concept of dark energy. According to the modern science, the universe is composed of ordinary matter. What you see, the whole universe, it's about 3.6 point or about 4 point, including atoms, stars, galaxies, solar systems, etc. The dark matter, which is 22%, which is a hypothetical entity that has not yet been detected. And the other, about 74% to 75%, that is called dark energy, which is a kind of energy density that seemingly exists even in the empty space. मतलब ये यूनिवर्स जो हम जो भी विजुअलाइज कर सकते हैं ये सिर्फ 4 to 5% के बीच में है और उसके पीछे जो डार्क मैटर है वो सब मिला दो तो इट्स ऑल अबाउट 24 point something. 75% जो है जिसका कोई अता पता नहीं, जिसको मॉडर्न साइंस अभी डार्क एनर्जी कहते हैं, दे आर स्टिल एक्सप्लोरिंग. 75% क्या होता है? 3/4. So now I'm quoting here the Purusha Sukta. The Purusha Sukta saying, Etavanasya mahima ato jayangscha purushaha padosya vishwabhutani tripadasya amritam divi. Such is his greatness, and Purusha is greater even than this. All beings are 1/4 of him. His other 3/4, 75%, immortal in heaven. In heaven means it's beyond our imagination, beyond our knowledge. Tripadurdham udait purusha padosya iha bhavat punaha tato vishwam vyakramat sasana nasane abhi. 3/4 of purusha ascended. The other 4th that remained in this world proceeded repeatedly and diversified in various form, went to all animate and inanimate creation. So I am just concluding. So with this, the conclusion is Swami Dayananda Saraswati's interpretation of Vedic theory of creation offers profound insights into the nature of existence and the underlying principles governing the cosmos. Through his rational elucidation, he sought to unveil the timeless wisdom embedded in the Vedas, fostering a deeper understanding of the cosmic order and humanity's place within it. His teachings continue to inspire seekers of truth and the seekers of knowledge, resonating across generations and bridging the gap between ancient Vedic wisdom
and the contemporary thought. As we have briefly seen, the Vedic literatures offer amazing avenues for research in the field of science, especially cosmic science. Further studies into the matter using Vedic view may prove fruitful not only in the attenuation of the conflict between the two fields of knowledge, but also in the development of a scientific understanding of the process of self-realization. Thank you very much. Namaste. Thank you so much, Dr. Surya Narayanji. You have very clearly manifested and explained the Vedic theory of creation and try to relate it with the elucidation of Swami Dayananda in his Satyartha Prakasha, Rig Vedadi Bhashya Bhumika, etc. Thank you so much. I'm sorry we don't have any time for discussion. You may continue. Those who want to deliberate upon this paper can discuss with Surya Narayanji during lunch hour, because Professor Ranveer Singh is on the line and we might lose the connection. We are already late. He was supposed to start at 11:30. Professor Ranveer Singh ji, Kurukshetra Vishwavidyalaya mein, jo Sanskrit Vibhag ke adhyaksh rahe hain, acharya rahe hain, aur is samay aap Swami Dayananda Saraswati Peeth, Haryana Kendriya Vishwavidyalaya, Mahendragarh ke adhyaksh aur acharya pad se bhi sambhavata nivritt ho chuke hain. संस्कृत और प्राच्य विद्या संस्थान के निदेशक रहे हैं, प्राची ज्योति के संयुक्त संपादक और संपादक रहे हैं और हरियाणा संकलन समिति के संस्थापक महासचिव रहे हैं, सेवा भारती हरियाणा के सक्रिय सदस्य रहे हैं, अनेक अनेक समितियों के आप सलाहकार समितियों के सदस्य रहे हैं, चयन समितियों के, और अखिल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलन का 44वां अधिवेशन जो संस्कृत एवं प्राच्य विद्या संस्थान कुरुक्षेत्र में हुआ उसके आप स्थानीय महासचिव रहे. आपने अखिल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलन के 45वें अध्यक्ष अधिवेशन की अध्यक्षता की तिरुपति में और अनेक शोध संगोष्ठियां आयोजित की. आपके द्वारा आयोजित संगोष्ठी 2013 में आधुनिक विश्व की समस्याएं प्राच्य विद्या द्वारा समाधान का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने विश्वविद्यालय में किया था, जिसमें देश के मूर्धन्य विद्वानों ने भाग लिया. आपने अनेकानेक ग्रंथ भी प्रकाशित किए हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण परियोजना जो कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से चलती रही 15 भागों में प्रकाशित हो चुका है, हरिवंश पदानुक्रम कोश और महाभारत पदानुक्रम कोश. आजकल आप अपनी बेटी के पास ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, लेकिन मैंने उन्हें जो विषय दिया था उसको उन्होंने स्वीकार किया, अपना पत्र भी भेज चुके हैं, और उनका विषय है राजधर्म के विषय में महर्षि दयानंद की मान्यताएं. प्रोफेसर रणवीर सिंह जी, ओवर टू यू नाउ. जी नमस्ते. क्या मुझे सुन पा रहे हैं मैडम जी? जी जी सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं. जी जी जी. भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. इस स्वामी दयानंद सरस्वती की कॉन्फ्रेंस में विराजमान इसकी संयोजिका प्रोफेसर शशि प्रभा जी, आचार्य वेदपाल जी, प्रोफेसर चौकसी जी, प्रोफेसर मेहता जी, डॉक्टर धीमान जी एवं अन्य उपस्थित विद्वज्जन, जैसा कि मैडम जी ने बताया कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो राजधर्म का विवेचन किया गया है उस पर मैं कुछ अपने विचार स्वामी जी के आधार पर प्रस्तुत करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूं. तो इसमें सबसे पहले स्वामी जी ने शासन संचालन के लिए 3 सभाओं के गठन का जो निर्देश दिया है, विद्यार्य सभा,
धर्मार्य सभा व राजार्य सभा। तो विद्यार्य सभा द्वारा समस्त मनुष्यों को विद्वान बनाना तथा सब विद्याओं का प्रचार, धर्मार्य सभा द्वारा धर्म का प्रचार व अधर्म की हानि, व राजार्य सभा द्वारा राज्य प्रबंध के सभी कार्य करने व करवाने का विधान प्रस्तुत किया है। और ये सभाएं राजा प्रजा के समस्त पारस्परिक आवश्यक व्यावहारिक कल्याणकारी संबंधों व प्रक्रियाओं का माध्यम रहेंगी। इनका क्षेत्र व्यक्ति, परिवार, समाज व राष्ट्र की विद्या, स्वातंत्र, सुरक्षा, अनुशासन, न्याय, धर्म, सुशिक्षा, धनोत्पादन, कृषि, वाणिज्य, कला कौशल आदि समस्त गतिविधियों के सुचारू प्रबंधन तक विस्तृत रहेगा। इन सभाओं का सभापति सर्वश्रेष्ठ विद्वान, जो सर्वोत्तम गुण कर्म स्वभाव युक्त महापुरुष, सर्वसम्मति से नियुक्त किया जाएगा। तीनों सभाओं की सभी नियत व्यवस्थाओं व राजधर्म का यथायोग्य पालन करना तथा समस्त प्रजा से करवाना सभी सभासदों व सभापति के लिए आवश्यक होगा। प्रमाण स्वरूप स्वामी जी ने अनेक वेद मंत्रों के आधार पर इनका प्रतिपादन किया है कि इस जो त्रिणी राजाना विदथे पुरुणी परिविश्वानी भूषथ सदांसी, ऋग्वेद का तीसरे मंडल का 38वां मंत्र है। इसमें की व्याख्या में स्वामी जी लिखते हैं कि ईश्वर उपदेश करता है कि राजा और प्रजा के पुरुष मिलके सुख प्राप्ति और विज्ञान वृद्धि कारक राजा प्रजा के संबंध रूप व्यवहार में तीन सभा, जैसे मैंने बताया, उनको नियत करके बहुत प्रकार के समग्र प्रजा संबंधी मनुष्यादि प्राणियों को सब ओर से विद्या, स्वातंत्र, धर्म, सुशिक्षा और धनादि से अलंकृत करें। इस प्रकार की स्वामी जी ने व्याख्या की है। और दो मंत्र, एक और मंत्र उन्होंने प्रमाण स्वरूप उद्धृत किया है इसके लिए, तम सभाच समितिश्च सेनाथर्ववेद का मंत्र है, उसमें भी इसी प्रकार की व्याख्या है। इनकी व्याख्या करते हुए स्वामी जी ने लिखा है कि एक को स्वतंत्र राज्य का अधिकार न देना चाहिए, यानी राजा को, एक राजा को नहीं, किंतु राजा जो सभापति, तदधीन सभा, सभाधीन राजा, और राजा और सभा प्रजा के अधीन, और प्रजा राजसभा के अधीन रहे। यदि इस व्यवस्था का कोई उल्लंघन करेगा तो उसके परिणाम को स्पष्ट करते हुए शतपथ ब्राह्मण का एक प्रमाण उद्धृत स्वामी जी ने किया है, राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद् राष्ट्री विषम घातुकः, विषमेव राष्ट्रायाद्याम करोति तस्माद् राष्ट्री विषमत्ति न पुष्टम पशुम मन्यते इति। इसका अभिप्राय है कि जो प्रजा से स्वतंत्र राजवर्ग रहे तो राज्य में प्रवेश करके प्रजा का नाश किया करे, इसलिए अकेला राजा स्वाधीन व उन्मत्त होके प्रजा का नाशक होता है, अर्थात वह राजा प्रजा को खाए जाता, अत्यंत पीड़ित करता है। इसलिए किसी एक को राज्य में स्वाधीन न करना चाहिए, जैसे सिंह और मांसाहारी हृष्ट पुष्ट पशु को मारकर खा लेते हैं, स्वतंत्र राजा प्रजा का उसी प्रकार से नाश कर सकता है, अर्थात किसी को अपने से अधिक नहीं होने देता, श्रीमान को लूट खूट अन्याय से दंड लेके अपना प्रयोजन पूरा करेगा। तो कितने स्पष्ट शब्दों में महर्षि ने कहा है कि किसी भी राज प्रमुख के एकाधिकार को उन्होंने निषिद्ध किया है, तथा प्रजातंत्र के वास्तविक कल्याणकारी स्वरूप का वैदिक प्रमाणों के आधार पर दिग्दर्शन किया। और वैदिक विज्ञान में प्रजा का जो सर्वोपरि स्थान है उसको उन्होंने निश्चित किया। तो राजा का अभिप्राय उन्होंने सभापति बताया है, और वह सभा के प्रति उत्तरदायी, सभा राजा के प्रति,
और राजा और प्रजा, सभा प्रजा के प्रति और प्रजा का राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी रहने का उन्होंने निर्देश दिया है, इतने स्पष्ट शब्दों में। और सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी राज्य की स्थापना कहाँ होती है इस विषय में स्वामी जी ने लिखा कि जिस देश में उत्तम विद्वान ब्राह्मण, विद्यासभा और राज्यसभा और विद्वान शूरवीर क्षत्रिय लोग ये सब मिलके राज कामों को सिद्ध करते हैं, वही देश धर्म और शुभ क्रियाओं से संयुक्त होके सुख को प्राप्त होता है। जिस देश में परमेश्वर की आज्ञा पालन और अग्निहोत्र आदि सत्क्रियाओं से वर्तमान विद्वान होते हैं, वही देश सब उपद्रवों से रहित होके अखंड राज्य को नित्य भोगता है। राज प्रजा जो धर्म विषय है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में, उसमें स्वामी जी ने वेदों के, चारों वेदों के प्रमाण देते हुए और ऐत्रेय ब्राह्मण और शतपद ब्राह्मण के प्रमाणों के आधार पर इस पूरे विषय को स्पष्ट किया है। जो मनुष्य ब्रह्म अर्थात परमेश्वर और वेद को जानने वाला है वही ब्राह्मण होने के योग्य है। जो इंद्रियों को जीतने वाला पंडित, शूरत आदि गुणयुक्त, श्रेष्ठ वीर पुरुष क्षत्र धर्म को स्वीकार करता है वही क्षत्रिय होने योग्य है। ऐसे ब्राह्मण और क्षत्रियों के साथ न्यायपालक राजा को अनेक प्रकार से लक्ष्मी प्राप्त होती है और उसके धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। आगे युद्ध को क्षत्रियों का वास्तविक बल बताया गया है, युद्धम वही राजन्यस्य वीर्यम, अर्थात महर्षि ने निघंटु के आधार पर संग्राम का अर्थ यह महाधन किया है, अर्थात युद्ध के बिना प्रभूत धन की प्राप्ति नहीं होती। प्राचीन काल में बलशाली राजा अन्य समस्त राजाओं को युद्ध में जीतकर पुष्कल धन संग्रह करके अश्वमेध आदि यज्ञ करते थे, तो शतपथ ब्राह्मण में अश्वमेध का अर्थ राष्ट्रम वा अश्वमेध है, राष्ट्र किया गया है। इस प्रकार से महर्षि ने क्षत्र शब्द का जो अर्थ किया, क्षत्रम अर्थात राजसभा प्रबंधेन यथावत प्रजा पालनम क्रियते तत्, अर्थात जो क्षत्र जो वो राजसभा प्रबंध से जो यथावत प्रजा का पालन किया जाता है उसको क्षत्र कहा है। तो सभाओं की संरचना में किस प्रकार के इनके सदस्य होने चाहिए उसके लिए स्वामी जी लिखते हैं, सर्वथा सदाचारी, न्यून से न्यून 10 अथवा न्यूनातिन्यून 3 विद्वानों की सभा होनी चाहिए और वह सभा जिन लौकिक व्यवहारों व मर्यादाओं की व्यवस्था करे उनका उल्लंघन कोई भी न करे। इन सभाओं के सभासद चारों वेद, हेतुक अर्थात न्यायशास्त्र जिससे कारण अकारण का ज्ञान होता है, निरुक्त व धर्मशास्त्र आदि के वेत्ता विद्वान हों, परंतु वे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ व वानप्रस्थ ये 3 आश्रमों के आश्रमी ही हों और तब इनकी संख्या 10 से कम ना हो। और मनुस्मृति में कहा है कि जिस सभा में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के जानने वाले 3 सभासद हों तो उसके द्वारा की हुई व्यवस्था का कोई उल्लंघन ना करें। इसके आगे सभापति यानी राजा तथा सभा के सभी सदस्यों को काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, असूया तथा अर्थ दूषण आदि व्यसनों से दूर रहना चाहिए। दुष्ट व्यसन में फंसने से मर जाना अच्छा है, क्योंकि जो दुष्टाचारी पुरुष है वह जितना अधिक जिएगा उतने अधिक पाप करेगा तथा उतना अधिक दुख प्राप्त करेगा, और जो किसी व्यसन में नहीं फंसा है वह मृत्यु के बाद भी सुख प्राप्त करेगा। इसलिए विशेष रूप से राजा और सामान्यतः सभी मनुष्यों को उचित है कि कभी भी मृगया और मद्यपान आदि दुष्ट कामों में न फंसे और धर्मयुक्त गुण, कर्म, स्वभावों को धारण करके अच्छे अच्छे काम सदा किया करें। इसमें मनुस्मृति का प्रमाण दिया है। सचिव या सभासद कैसे होने चाहिए इसके विषय में कहा है कि स्वराज्य यानी स्वदेश में उत्पन्न हुए वेदादि शास्त्रों को जानने वाले शूरवीर
और लक्ष्य में सदा सफलता प्राप्त करने वाले कुलीन सुपरीक्षित उत्तम धार्मिक एवं चतुर सात या आठ पुरुषों को मंत्री बनावे, क्योंकि विशिष्ट सहायक के बिना सुकर कार्य भी एक व्यक्ति के लिए दुष्कर हो जाता है। इसलिए राज्य संचालन जैसा महान कार्य एक व्यक्ति कैसे कर सकता है, अतः योग्य सचिवों का होना अपरिहार्य है। तो इस प्रकार से ये तीन सभाओं का गठन एक स्वामी जी ने वेद मंत्रों के आधार पर वैदिक राष्ट्र पुरुष की एक भावनात्मक संकल्पना को प्रस्तुत किया है, जिसमें कहा है कि जैसे राज्य लक्ष्मी मेरी शिरस्थानी, उत्तम कीर्ति मेरे मुखवत, सत्य गुणों का प्रकाश मेरे केस व दाढ़ी के समान, ईश्वर सदृश राजा मेरे प्राणों के समान, अमृत स्वरूप जो ब्रह्म व मोक्ष सुख है वह मेरे मेरा चक्रवर्ती राजा, तथा जो अनेक सत्य विद्याओं का प्रकाश युक्त मेरा स्रोत्र है वही मेरी आंख है। मैं बहुत संक्षेप में मुख्य मुख्य चीजें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो आगे कहा कि जैसे व्यक्ति को स्वकीय अंगों में प्रीति व उनको पुष्ट रखने में श्रद्धा होती है, वैसे ही सभी को अपनी बुद्धि को प्रजा पालन में प्रयुक्त करना चाहिए, सभासदों के लिए कहा। आगे कहा है मेरी नाभि विद्या का तथा गुहेंद्री अर्थात अपान वायु विज्ञान का निमित्त बने, स्त्री का जननेन्द्रिय उत्तम प्रजा को उत्पन्न करने वाला हो, इसी प्रकार मेरा उपस्थेन्द्रिय पुत्रादि सौभाग्य को बढ़ाने वाला और वीर्य के समतुल्य हो, जंघा और पद से युक्त में श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने में समर्थ हो सकूं, इस प्रकार एक पुरुष राष्ट्र पुरुष की संकल्पना की है। तो परमेश्वर राज सभासद व उत्तम राज्य के परस्पर संबंधों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जो मनुष्य इस प्रकार के उत्तम पुरुषों के सभा द्वारा न्याय पूर्वक राज्य करते हैं उनके लिए परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि हे मनुष्यों, तुम लोग धर्मात्मा होके न्याय से राज्य करो, क्योंकि जो धर्मात्मा पुरुष हैं मैं उनके क्षत्र धर्म और समस्त राज्य में प्रकाशित रहता हूँ और वे सदा मेरे समीप रहते हैं, उनकी सेना के अश्व और गो आदि पशुओं में भी मैं स्वसत्ता से प्रतिष्ठित रहता हूँ, सब सेना और राजा के अंगों और उनके आत्माओं के बीच में सदा प्रतिष्ठित रहता हूँ, उनके प्राण और पुष्ट व्यवहारों में मैं सदा व्यापक रहता हूँ। तो जितना सूर्यादि प्रकाश रूप और पृथ्व्यादि अप्रकाश रूप जगत तथा जो अश्वमेध आदि यज्ञ हैं इन सब के बीच में भी मैं सदा सर्वदा व्यापक होने से प्रतिष्ठित रहता हूँ। इस प्रकार से तुम लोग मुझको सब स्थानों में परिपूर्ण देखो और जिन लोगों की ऐसी निष्ठा है उनका राज्य सदा बढ़ता रहता है। ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में का इन्हीं भावों से व्याप्त एक अन्य मंत्र के द्वारा कहा है, जिन मनुष्यों का ऐसा निश्चय है कि केवल परमेश्वर परमेश्वरीयवान परमात्मा ही हमारा रक्षक है जो ज्ञान और आनंद का देने वाला है, वही इंद्र परमात्मा में जो उत्तम युद्ध करने वाला शूरवीर और हमारा राजा है, जो अनंत पराक्रम युक्त ईश्वर है जिसका सब विद्वान वेदादि शास्त्रों से प्रतिपादन और इष्ट करते हैं, वही हमारा सब प्रकार से राजा है। वैदिक राज्य व्यवस्था पे थोड़ा सा प्रकाश में डालता हूं किस प्रकार का होना चाहिए। महर्षि लिखते हैं कि हे विद्वान लोगों, तुम इस राज धर्म को यथावत जानकर अपने राज्य को का ऐसा प्रबंध करो कि जिससे तुम्हारे देश पर कोई शत्रु न आ जाए। हे शूरवीर लोगों, अपने क्षत्रिय धर्म चक्रवर्ती राज्य श्रेष्ठ कीर्ति सर्वोत्तम राज्य प्रबंधन के लिए सब प्रजा को विद्वान करके ठीक ठीक राज्य व्यवस्था चलाने के लिए तथा बड़े ऐश्वर्य सत्य न्याय के प्रकाश करने के लिए अच्छे अच्छे राज्य संबंधी प्रबंध करो कि जिससे सब मनुष्यों को उत्तम सुख बढ़ता जाए। वेदविद सभासदों में जो सौम्य गुण संपन्न सकल विद्या युक्त हो उसी को सभाध्यक्ष अर्थात राजा के रूप में स्वीकार करो। इस प्रकार का ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में स्वामी जी ने कहा है। महर्षि उस पराधीनता के समय में चक्रवर्ती राज्य का उद्घोष कर रहे हैं।
सुचारू राज्य प्रबंध के लिए समस्त जनसंख्या को विद्वान बनाने की आवश्यकता को रेखांकित कर रहे हैं। अतः राजधर्म के आवश्यक तत्व हैं। आगे कहते हैं कि हे बंधु लोगों, जो परमात्मा अपने लोगों को विजय कराने वाला है और वह कभी भी दूसरों से हारने नहीं देता, जो महाराजाधिराज सब राजाओं के बीच में प्रकाशमान होकर हमको भी भूगोल में प्रकाशमान करने वाला है, जो आनंद रूप परमात्मा सब जगत को सुखों से पूर्ण करने हारा तथा सब मनुष्यों द्वारा स्तुति और वंदना करने योग्य, सबके द्वारा शरण लेने योग्य, नमस्कार करने योग्य है, सो जगदीश्वर हमारी विजय करने वाला रक्षक, न्यायाधीश और राजा है। इसलिए हमारी यही प्रार्थना है कि हे परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे राजा बनिए और हम लोग आपके पुत्र और भृत्य के समान राज्याधिकारी होकर आपके राज्य को सत्य न्याय से सुशोभित करें। इस प्रकार से स्वामी जी परमेश्वर को तो सब जगह साक्षी करके सारी बातें अपनी करते हैं। सुचारू राज्य व्यवस्था के लिए शस्त्रास्त्रों व आयुधों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इसका अभिप्राय स्पष्ट करते हुए ऋषिवर ने लिखा है, हे मनुष्यों, तुम लोग सब काल में उत्तम बल वाले हो, किंतु तुम्हारे आग्नेयादि अस्त्र और तोप, बंदूक, धनुष बाण और तलवार आदि शस्त्र सब स्थिर हों तथा मेरी कृपा से तुम्हारे अस्त्र और शस्त्र सब दुष्ट शत्रुओं को पराजित करने के योग्य होवें तथा वे अत्यंत दृढ़ और प्रशंसा करने योग्य होवें। तुम्हारी सेना अत्यंत प्रशंसा के योग्य हो, जिसे तुम्हारा अखंडित बल और चक्रवर्ती राज्य स्थिर होकर दुष्ट शत्रुओं की सदा पराजय होती रहे। परंतु मेरा यह आशीर्वाद केवल धर्मात्मा, न्यायकारी और श्रेष्ठ मनुष्यों के लिए है, और जो कपटी, छली, अन्यायकारी और दुष्ट मनुष्य हैं उनके लिए नहीं, किंतु ऐसे मनुष्य का तो सदा पराजय ही होता रहेगा। इसलिए तुम लोग सदा धर्म कार्यों को ही करते रहो। इसका अभिप्राय यह है कि शत्रुओं से राज्य की सुरक्षा के लिए राज्यार्य सभा के सभी सभासदों व सभाध्यक्षों, सेना व सैनिकों की पर्याप्त संख्या व समयानुकूल शस्त्रास्त्रों, आयुधों, वाहनों, सूचना प्राप्ति के सभी उपायों व आवश्यक एवं अपरिहार्य गुप्त कार्यों की सारी व्यवस्थाएं सभी परिस्थितियों के लिए सन्नद्ध रखनी चाहिए। तो आगे के संदर्भ में सूर्यवीर विजय प्राप्त करने वाले सैनिकों को संतुष्ट करने की बात वेद मंत्र के माध्यम से कही गई है। हे बंधु लोगों, न्याय और दृढ़ भक्ति से अनंत बलवान परमेश्वर को इष्ट करके सूर्यवीर लोगों को सदा आनंद में रखो। तुम लोग अत्यंत उग्र परमेश्वर के सहाय से एक समिति होकर दुष्टों को युद्ध में जीतने का उपाय रचा करो, जिसने सब भूगोल तथा सबके मन और इंद्रियों को जीत रखा है। प्राण जिसके बाहु हैं और वह हम सबको जिताने वाला है, उसी को इष्ट जान के हम लोग अपना राजा माने। वह अपने अनंत पराक्रम से दुष्टों को पराजित करके हमको सुख देता है। तो राज्य व्यवहार के संबंध में वेदों के प्रमाणों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों के भी अनेक प्रमाण प्रस्तुत करते हुए महर्षि ने प्रामाणिक विवेचन प्रस्तुत किया है। ऐतरेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण में राजधर्म का अच्छा वर्णन प्राप्त होता है। महर्षि ने एक संदर्भ की व्याख्या करते हुए कहा है, राजाओं की सेना और सभा में जो पुरुष हों, वे सब दुष्टों पर अत्यंत उग्र अर्थात तेजधारी, श्रेष्ठों पर शांत रूप और दुख सुख को सहन करने वाले और धनार्जन में अत्यंत पुरुषार्थी हों, क्योंकि दुष्टों पर उग्र स्वभाव और श्रेष्ठ पर सहनशील होना तथा सदैव मंद्र अर्थात आनंदित व पराक्रम युक्त रहना, यही क्षत्र धर्म का स्वरूप है। महर्षि ने राज्य व्यवहार को सबसे बड़ा माना है। प्रस्तुत संदर्भ में इस तथ्य का उल्लेख क्षत्र धर्म में शूरवीरता आदि गुणयुक्त पुरुषों की सभा और सेना रखकर अच्छे प्रकार से राज्य को बढ़ाना चाहिए। राज्य प्रबंध में पूर्ण विद्वान ब्राह्मण की सफल भूमिका को प्रतिष्ठापित करते हुए अगले संदर्भ को देखिए। ब्रह्म अर्थात परमेश्वर और वेद विद्या से युक्त जो पूर्ण विद्वान ब्राह्मण है, वही राज्य के प्रबंधों में
सुख प्राप्ति का हेतु होता है। इसलिए अच्छे राज्य के कारण ही सत्य विद्या का प्रचार प्रसार संभव है। उत्तम क्षत्र व श्रेष्ठ राज्य के संयोजन से ही देश समाज व विश्व की उन्नति संभव है। उत्तम विद्या और न्याय युक्त राज्य का नाम ओज है। दंड के भय से सभी को राजाज्ञा का पालन करना ही होता है, क्योंकि कहा है ओज एव क्षत्रम वीर्यमेव राजन्य, अर्थात ओज यानी बल का नाम क्षत्र है और पराक्रम का नाम राजन्य है। इन दोनों का जब सामंजस्य होता है तभी संसार की उन्नति होती है। परंतु सब जगह परमेश्वर का संयोजन स्वामी जी ने किया है, जो कि आवश्यक है। राजकार्य का आरंभ ब्रह्म यानी परमेश्वर को 3-4 बार नमस्कार करके करना चाहिए। जो सभाध्यक्ष क्षत्रिय परमेश्वर को साक्षी मानकर राजकार्य चलाता है उसका ही राष्ट्र सम्यक रिद्धि व वीर पुरुषों से समृद्ध होता है। ऐन्द्र महाभिषेक के संदर्भ में व्याख्यान करते हुए महर्षि ने लिखा है, ऐत्रेय ब्राह्मण का प्रसंग है कि वे विद्वान एक अद्वितीय परमेश्वर के उपासक होते हैं, क्योंकि वे अनंत विद्यायुक्त और श्रेष्ठ बलशाली हैं, अत्यंत सहनशील स्वभाव से युक्त और सर्वोत्तम है। वही हमको सब दुखों को पार उतार के सब सुखों को प्राप्त कराने वाला है। हम लोग अपने राज्य और सभा में उन्हीं परमेश्वरशाली इंद्र परमात्मा का अभिषेक करके उन्हें ही अपने न्यायकारी राजा सदा के लिए मानते हैं। अब सभापति राज्य की योग्यताओं के विषय में स्वामी जी ने प्रकाश डाला है, उसमें थोड़ा सा मैं बताता हूं समय के अभाव के कारण। इस न्याय व्यवस्था का संचालन अतीव तेजस स्वरूप है, मनुस्मृति के उसके कारण ही दंड की व्यवस्था जो है, आप जानते हैं दंड का जो प्रोविजन मनुस्मृति में किया गया है उसका स्वामी जी ने विस्तार से वर्णन किया है दंड का, क्योंकि दंड के बिना दंड शास्ति प्रजा सर्वा दंड एवाभिरक्षति इत्यादि जो सभी श्लोक हैं उनका संक्षेप में प्रत्येक श्लोक को देते हुए स्वामी जी ने दंड व्यवस्था को सुचारू और प्रभावी बनाने का निर्देश किया है। अतः समाज की सुस्थिति के लिए न्याय व्यवस्था का सुचारू यथावत निष्पक्ष एवं प्रभावी होना अपरिहार्य है। प्रशासक व प्रशासन का औचित्य व प्रासंगिकता सद्य स्फूर्त शक्ति संपन्न न्याय व्यवस्था के सर्वोपरि एवं सर्वाधिशाही प्रभुत्व पर आधारित है। अन्यथा सभ्य समाज के साथ साथ प्रशासक व प्रशासन के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। सुरक्षा प्रणाली और सेना व्यवस्था पर भी स्वामी जी ने अच्छे से प्रकाश डाला है। इसमें एक पूरा हमने लिखा है, तो उसमें से थोड़ा सा मैं उसका संक्षेप में प्रस्तुत करता हूं कि राजा को इस प्रकार चतुराई से युद्ध करना चाहिए कि विजय अपनी ही हो। कभी भी शत्रु को जीतने के लिए उनके सामने से छिप जाना उचित है, क्योंकि जिस प्रकार से शत्रु को जीत सके वैसे काम करे। जैसा सिंह क्रोध के सामने आकर शस्त्राग्नि में शीघ्र भस्म हो जाता है, वैसी मूर्खता से नष्ट भ्रष्ट न हो जावे। युद्ध में जिस जिसकी हत्या निषिद्ध है, वो धर्म युद्ध का भी स्वामी जी ने किया है, वो बहुत सारे लोग हैं युद्ध स्थल में जिनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। युद्ध स्थल में जो भी युद्ध में सम्मिलित नहीं है उसकी हत्या का निषेध है राजा के लिए। कर व्यवस्था एवं प्रशासन, कर व्यवस्था के लिए स्वामी जी ने मनुस्मृति के आधार पर ही इसका प्रस्तावन किया है। राज्य के संचालन के लिए धन का प्रथम स्थान है। धनाभाव में कोई भी काम नहीं किया जा सकता। मनुस्मृति के आधार पर महर्षि ने कर व्यवस्था का वर्णन करते हुए अपने विचार भी साथ साथ दिए हैं। पुष्कल वित्त व्यवस्था से राजपुरुष विविध कल्याणकारी कार्यों का संपादन व प्रजाजन सुख शांति से जीवन यापन कर सकते हैं। अतः विचार करके राजा तथा राज्य सभा राज्य में कर स्थापन करें। वार्षिक
कर का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि जैसे जोंक, बछड़ा और मधुमक्खी थोड़े थोड़े भोग्य पदार्थों का ग्रहण करते हैं, राजा भी वैसे ही प्रजा से थोड़ा थोड़ा कर लेवे। वणिक यानी छोटे व्यापारी से जो कर लिया जाए उसमें क्रय विक्रय की दर, आवागमन का व्यय, गृह व्यय आदि का आकलन करके कुल लाभ के आधार पर लिया जाए। स्वर्ण का व्यापार करने वाले जो शिल्पी हैं उनको स्वर्ण चांदी का जितना लाभ हो उसमें से 50वां भाग, चावल आदि अन्नों में छठा, आठवां व 12वां भाग लिया करें, और जो धन लेवे तो भी उसी प्रकार लेवे कि जिससे किसान आदि खाने पीने और धन से रहित होकर दुख न पावे। इसके आगे महर्षि ने लिखा है, क्योंकि प्रजा के धनाढ्य आरोग्य खान पान आदि से संपन्न रहने पर राजा की बड़ी उन्नति होती है। प्रजा को अपने संतान के सदृश सुख देने और प्रजा अपने पिता सदृश राजा और राजपुरुषों को जाने, यह बात ठीक है कि राजाओं के राजा किसान आदि परिश्रम करने वाले हैं। किसान आदि परिश्रम करने वालों को राजाओं के राजा बताया है, और राजा उनका रक्षक है। जो प्रजा न हो तो राजा किसका, और जो राजा न हो तो प्रजा किसकी कहावे। दोनों अपने अपने काम में स्वतंत्र और मिले हुए प्रीतियुक्त काम में परतंत्र रहें। प्रजा की साधारण सम्मति के विरुद्ध राजा व राजपुरुष न हो, राजा की आज्ञा के विरुद्ध राजपुरुष व प्रजा न चले। यह राजा का राजकीय निज काम अर्थात जिसको पॉलिटिकल कहते हैं संक्षेप से कह दिया। ये स्वामी जी के ही शब्द हैं। वार्षिक कर के संग्रह में भी स्वामी जी ने व्यवस्था उसी प्रकार की बताई जैसी मनुस्मृति में है। राजा और राज्यसभा का यह कर्तव्य बताया गया है कि अलब्ध धन की प्राप्ति की इच्छा, प्राप्ति के लिए प्रयत्न से प्राप्त की प्रयत्न से रक्षा, रक्षित को बढ़ावा, और इस प्रकार से बढ़े हुए धन को वेद विद्या, धर्म का प्रचार, विद्यार्थी, वेद मार्गोपदेशक तथा असमर्थ अनाथों के पालन में लगाना चाहिए। ये चार जो व्यवस्थाएं हैं वो स्वामी जी ने बहुत सुंदर ढंग से की हैं। मैं सुन रहा हूँ मैडम जी, अभी मैं बिल्कुल संक्षेप में करता हूँ। तो राजनीति का ऐसे ही स्वामी जी ने विशेष वर्णन किया है, और न्याय व्यवस्था का भी स्वामी जी ने बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया है, जिसमें 18 प्रकार के वाद होते हैं उनको किस प्रकार से निपटाना चाहिए, ये भी स्वामी जी ने कहा है। और जो वादों के जो प्राप्त जो साक्षियां हैं उनको भी कहा है, और राजा के लिए जो सामान्य मनुष्य के लिए जो दंड हो राजा के लिए उसे 1000 गुणे दंड की व्यवस्था उन्होंने की है। और इस प्रकार से जो छोटे से जो छोटा जो राजा का सेवक है उसको भी सामान्य मनुष्य 8 गुणे दंड की व्यवस्था की हुई है, ताकि न्याय व्यवस्था है उससे सब डर के रहे। सत्य साक्षी की श्रेष्ठता बताते हुए कहा गया है कि सत्य बोलने से साक्षी पवित्र होता है, और सत्य ही बोलने से धर्म बढ़ता है। इससे सब वर्णों में साक्षियों को सत्य ही बोलना योग्य है। और जो साक्षी न्यायालय में असत्य साक्ष्य देता है उसके लिए अत्यंत कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। चोर जिस प्रकार जिस जिस अंग से मनुष्यों में निषिद्ध चेष्टा करता है, सब मनुष्यों की शिक्षा के लिए प्रत्यादेशाय शब्द, प्रत्यादेशाय सबको प्रत्यादिष्ट करने के लिए राजा को उसके उस अंग का हरण अर्थात छेदन कर लेवे, ऐसा प्रावधान किया गया है। तो इस विवेचन के अंत में महर्षि ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, बाल विवाह के निषेध का। तो कि राजा नित्य ध्यान रखे कि जहां तक बन सके वहां तक बाल्यावस्था में विवाह न करने देवे, युवावस्था में भी बिना प्रसन्नता के विवाह न करने देना, ब्रह्मचर्य का यथावत सेवन करना कराना, व्यभिचार और बहुविवाह को बंद करें कि जिससे शरीर और आत्मा में पूर्ण बल सदा रहे,
क्योंकि जो केवल आत्मा का बल अर्थात विद्या ज्ञान ज्ञान बढ़ाए जाए और शरीर का बल न बढ़ावे तो एक ही बलवान पुरुष ज्ञानी और सैकड़ों विद्वानों को जीत सकता है, और जो केवल शरीर का ही बल बढ़ाया जाए आत्मा का नहीं तो राज्य पालन की उत्तम व्यवस्था बिना विद्या के कभी नहीं हो सकती। बिना व्यवस्था के सब आपस में ही टूट फूट विरोध लड़ाई झगड़ा करके नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। इसीलिए सर्वदा शरीर और आत्मा के बल को बढ़ाते रहना चाहिए। जैसा बल और बुद्धि का नाशक व्यवहार व्यभिचार और अति विषयाशक्ति है वैसा और कोई नहीं है। इस प्रकार महर्षि ने अपने राजधर्म के विवेचन में राष्ट्र के सर्वांगीण विकास पर प्रकाश डाला है। तो इस प्रकार से राजधर्म के विवेचन में महर्षि ने वेदों ब्राह्मण ग्रंथों व मनुस्मृति के आधार बनाकर विषय का प्रासंगिक निरूपण किया है, और उन्होंने कहा है कि इसके अलावा महाभारत का जो शांति पर्व के राजधर्म और आपद धर्म जो अंश है, विदुर प्रजागर शुक्र नीति आदि को भी अच्छे से पढ़ के इसकी राजधर्म के विषय में हमें अच्छे से जानना चाहिए। इत्योमशम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर रणवीर सिंह जी, आपने बहुत ही गहन और व्यापक रीति से राजधर्म के सभी पक्षों पर प्रामाणिक तर्क देते हुए प्रकाश डाला है। मुझे लगता है इस पर कोई प्रश्न तो क्या होगा, स्पष्ट पेपर था, कोई टिप्पणी हो तो एक या दो टिप्पणी या प्रश्न, अन्यथा हम आगे चल सकते हैं। मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा। आपने आखिर में शुक्र नीति का उल्लेख किया, ये अब साबित हो चुका है कि ये कोई प्राचीन ग्रंथ नहीं है। लगभग 200 साल पहले लिखा गया था थंजावुर में, प्रोफेसर अनामपुरा प्रोफेसर गोयल हैं बीएचयू में, उसमें पूरी पुस्तक लिखी, ये अंग्रेजों के आने के बाद लिखी गई है, और इट्स अ मॉडर्न डे फॉर्जरी। अच्छा, स्वामी जी ने इसका क्योंकि लिखा हुआ है इसलिए मैंने शुक्र नीति को मैंने तो देखा नहीं है, पर स्वामी जी ने लिखा इसलिए मैंने इसका उल्लेख किया। जी धन्यवाद। आपने ये जो जानकारी दी ये बड़ी अच्छी, मैं देखूंगा इसको। देखा हाँ, इसमें पूरी किताब है, प्रोफेसर मेरे ख्याल से गोयल है या क्या नाम है उनका, बीएचयू में प्रोफेसर थे। ओके, पूरी किताब है कि ये थंजावुर में लिखी गई और अंग्रेजों को प्रभावित करने के लिए एक इनहेरिटेंस केस में ये लिखी गई थी। तो ये दिस इज अ मॉडर्न डे फॉर्जरी, कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। अब हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे बीच प्रोफेसर सोमदेव शतांशु जी, कुलपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय पधार चुके हैं, उनका स्वागत करते हुए हम अगले सत्र की ओर बढ़ेंगे। इंद्राणी जी, आर यू फीलिंग फाइन? ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्पीकर एंड शी इज डॉक्टर पंडिता इंद्राणी राम प्रसाद, Vedic scholar from Trinidad, West Indies. Visiting professor at Banaras Hindu University, Dr. Indrani Ram Prasad is a fourth generation person of Indian origin from Trinidad and Tobago, West Indies. She is a lifetime learner, holding a Bachelor of Arts degree from Banaras Hindu University, Masters and PhD degrees in Communication and Journalism, University of Pune, India. In 2023, Dr. Ram Prasad completed India's first MA Hindu Studies degree with distinction from the Banaras Hindu University. She was the senior research fellow in Ram Leela and Ram Leela Studies at the University of Trinidad and Tobago from 2007 to 2012. Besides being an independent scholar, journalist, educator, and women's activist, Dr. Ram Prasad is Trinidad and Tobago's first state-recognized female Pandita from the Arya Pratinidhi Sabha of Trinidad. She is deeply interested in the indentured Indian diaspora, Vedic Hindu culture, indentured Ramayana traditions, Ram Leela, Ram Dilla, and identity. She has published in scholarly journals and encyclopedias and a book on Ram Leelas in North India and Mauritius. In 2010,
13, Dr. Ram Prasad received the Government of Trinidad and Tobago's National Award Gold in the category of Women in Development. We are very glad to have you amongst us, and I invite you for your speech today on the topic. I think she herself gave a topic. This is Arya Samaj Heritage in the Caribbean Hindu Diaspora. Om Namaste. Chairperson, Professor Shashi Prabha Kumar, Professor Shailendra Raj Mehta, scholars all, Supreme Namaste. I'm very happy to be here. And when I met Professor Shashi Prabha, I better understood the term Mamta. Really, coming from the diaspora, we have had challenges interacting with my colleagues from India. And she made me feel so much an equal and a member of the family. Thank you very much, Professor. I repay my Rishi Rin through propagation of Ved and Maharishi Dayananda Saraswati. I repay my Pitri Rina through love and devotion to my ancestral motherland, Bharat, and the wholesome traditions of the ancestors. I repay my Devarin through an integrated sustenance of all of creation. My paper looks at Arya Samaj and its work in education in the Caribbean or the West Indies. I'm not a grammarian, and my scholarship is in the realm of cultural studies and analyzing ways and means of propagating Arya Samaj. Dharma does not live in books, but in human beings. So our urgency is to expand the Arya Samaj to make human beings Arya. European colonization saw nearly 1 million Indians deceptively moving to different parts of the world as indentured laborers to work on European plantations. The British first took labor from the Indo-Gangetic plains, first Bihar, then the depressed eastern regions of UP. From 1880 to 1916, 80% of the migrants came from Uttar Pradesh, 13% from Bihar and Bengal, and the rest from Madhya Pradesh, Punjab, and elsewhere. So it gives you a little idea of the indentured Indian diaspora. That's my focus. Indentured meaning those of us who left during the British colonial times to work on plantations as near slaves. Historians have defined man-made causes like famines that pushed the Indians of the Gangetic Plain to move out for work in different parts of the world. The infamous British man-made famine of Bengal, for example, followed the Battle of Plassey in 1767 and led to one-third the Bengal population perishing. The people were poor. This is my people I'm talking about, the indentured Indian pool. The people were poor, and they were increasingly indebted because of British revenue policies. The indigenous handicraft industries were being destroyed. There were land subdivisions due to population growth and family dissension. There was general hardship due to droughts, floods, and famine. People moved northeast for jobs, the Assamese tea plantations, jute mills in Calcutta, and the coal mines. Indentured Indian recruits came from this uprooted. We were deracinated. We were pulled up from our roots and our identity. They came from this fragmented mass of humanity on the move. Across the indentured Indian diaspora, the Indians described their lives as narak. That's how my ancestors called life.
out in the diaspora. Without Idrata honor and in search for justice. Adi Samaj came to the West Indies in the early 20th century in a period when Indian freedom fighters were in exile in places like America, Japan, and European countries. They discovered that Indians were present in the West Indies by chance, some of them. These indented Indians are the oldest diaspora in the 19th century. My diaspora is the oldest in the 19th century, British time. It surprised me recently when I realized that I was a born British Indian. We didn't get independence by then, 1962. So I was born before that, though I don't look that. The Adi Samaj in the Caribbean was a rising sun in the indented diaspora through highly educated and passionate scholars and revolutionaries that came from India. The majority of the indented workers were of the lower castes, and our experience in the Caribbean is an example of how to get rid of the stranglehold of caste. Samaj would empower these people with self-esteem, with hope and self-confidence. We have produced presidents, prime ministers, and Nobel Prize winners from this mass I told you about. Education would be a critical tool for empowering the masses. It took precedence over mandir building. Adi Samaj was not interested in too much building mandirs as schools first. And the schools would be used for public satsangs and yajyas and so on afterwards. And I want to give you an interesting bit of history connecting Indians in the West Indies with India's anti-colonial thrust. There was this Dr. Chakravarti who headed a new Germany military finance office of Indian freedom fighters in the eastern part of the USA. And having traveled to New York via Mexico, he became aware of us. Indian groups in Germany told him, and I quote, expand activities into the British colonies of the Caribbean, many close to Mexico, end of quote. The goal was to recruit Indian immigrants to return to India as freedom fighters. So some of my people came back to India as freedom fighters. And it's estimated like 36 individuals were recruited in Trinidad alone in 1916. And the Germans even thought that they would encourage a Hindu uprising in Trinidad and then Guyana. And that would be an example for India to follow, to see, hey, Hindus can do it out there, so we can do it here. This is recorded. And this was the era of Arya Samaj activists fighting colonialism, generating nationalism, and creating a new worldview based on Bharat's indigenous civilization and values, and above all, Ved. The activists were of three types. Samaj, first there was like Shyamji and Lala Lajpat Rai, who joined the nationalist movement and spearheaded it in the early 20th century. Then there were those who were opposed to the national movement and who joined the Hindu Mahasabha. Bhai Padmanand was one of the foremost workers of this kind. And he took a key part in the Gayar rebellion. Can I have some water, please? A little bit. Miss Larry, yeah. Thank you. I had to take some medication, so I'm getting the dry. And the third kind of revolutionary was that group that never joined the Congress and kept itself confirmed,
confined to educational activities. Lala Hansraj was prominent among them. Not only did he not join the freedom struggle, but he also opposed Gandhiji when the latter went at Lahore to call on students to strike. The Caribbean saw activists from the Hindu Mahasabha like Bhai Paramanand. Several well-known freedom fighters were in exile. They gave fiery scholarly speeches that were educated speeches to this indentured community. And they spoke in the English, that the little English that we knew. And this really gave the indentured Indians a sense of self-esteem. We felt good that educated people were speaking to us from India. I think many of us don't realize the impact that these missionaries had out in the Caribbean. Prominent Arya Samajis, influential in planting the seeds of Arya Samaj in Guyana and Trinidad, include Bhai Paramanand, 1910, Pandit Mehta Jaimini, 1929, Pandit Ayodhya Prasad, 1934, Pandit Hari Prasad Sharma, circa 1905, Pandit Ushad Bodh Arya, and Professor Bhaskarananda. Dr. Satish Prakash, who sits amongst us today, notes that some other missionaries came on brief visits, like Dr. Ramurti Mishra, Pandit Shruti Shil Sharma, Pandit Vishwa Premi, Swami Jagdish Varananda Saraswati, and Dr. Brahma Mitra Avasti. Now, I'm just giving you these names, you know them, but you don't know the connection with us. Samajas were formed and schools and mandirs were built in this fiery era of anti-colonialism in India. And it's useful to look at the development of education in Trinidad, Guyana, and Suriname. Suriname was ruled by the Dutch, Trinidad and Guyana by the British. In 1952, we got in Trinidad the first government-assisted primary schools. Now, I'm going to jump here without details because I know time. I have my timer on. I got 3 more minutes. So we now have 9 primary schools and 2 kindergartens. Race, politics, religion combined to influence the Indian education and Indian life. Today, as I said, we have like 9 schools. And on Diwali Day in 1934, Pandit Ayodhya Prasad had just come back from the Conference of World Fellowship of Faiths in Chicago. And on Diwali Day, he laid the stone of the first Arya Samaj Mandir. In a few months later, May 1934, Pandit Satya Charan Shastri formed that mandir. He later returned to Trinidad as High Commissioner of India to Trinidad. This mandir is now a primary school. As I said, the focus was too much, but on education. And Paramananda was highly educated in history from the University of London. And he had concluded that the British education system was designed to destroy the national consciousness of the Indians. And he is, I have quoted here. Colonized. Education was a major issue in the political independence. Front and calling for Hindi to be the national language. That was here in India. But the same thing was happening with us in the Caribbean. They also included India for Hindi. For example, our constitution of the Arya Samaj in Trinidad insists that you must know Hindi to be on the executive. That doesn't happen anymore. We don't speak Hindi. We have lost it totally. So we all speak English. A few of us can, like Bhai Satish, very fluent. And when Paramanand came to Guyana
in 1910, he noted that many of the educated Indians had converted to Christianity. The education system, Guyana and Trinidad, if you had to go to school, the schools were run by Christians. You had to change your name, you had to convert, then you could be educated, and then you can get a job. So everything was tied up with the conversion. And there was a call from the Sanatan Dharma Pratinidhi Sabha of Lahore, Punjab, to the colonial office in London, urging the establishment of Hindu schools in the colony. The colonial secretary in Trinidad indicated his intent to ask the East Indian National Congress to submit names for an East Indian Educational Association. So I'll just sum up here. Yeah, okay. Thank you, Jefferson. Yes, so we had to be educated in Christian schools, change our names, and then you could get jobs. In Trinidad, Jaimini focused on education, establishing a Vedic mission, and so on. And then another Mandiru was started in 1945 in one part of Trinidad. It became a high school, and then it was reverted to a primary school because you had to get permission for the government to be either primary or secondary. So I want to jump from there to Guyana. In Guyana, the story of Ari Samaj and education is different. At least we got 9 schools in Trinidad and now 2 kindergartens. The first Ari Samaj was formed in Guyana in 1921. Pandit Mehta Jaimini came in 1929, other missionaries in 1935, Bhaskarananda in 1936, and he stayed for 10 years in Guyana. The American Aryan League, established in 1937, brought all the Samajis under their umbrella. Pandit Ushar Bor Arya arrived in 1955 and established the Arya Veer Dal, and the Arya's ashram was established. The government saw the Arya Veer Dal as a paramilitary organization. And so they saw it as strengthening the Indians in a military way, and they asked Pandit Ushar Bor to leave. So that Veer Dal was still carried on by Satish, is a leader. He himself came up through the system and also has been leading it. Only 2 Ari Samaj related schools emerged in Guyana, only 2. And that is a country that has more Indians than we had and more committed Indians. You know, we went in 1938, we went 1945. And there was a DAV high school started by Pandit Bhaskarananda in 1960s, and this school was destroyed by racial riots. I don't know how many of you know the history. Guyana suffered a lot from racial riots. It's still is reeling from that. And luckily the American government opened its doors to Guyana, and there is a small Guyana in New York. And in Florida, if you go, it's small Guyana, you see, strong Arya Samaj presence. Right, so Suriname, the story is brighter. This was run by the Dutch. On the initiative of Mehta Jaimini, the Arya Diwakar was founded in 1925, and that did a lot of work in Hindi and religion. They speak Awadhi still, they speak Hindi, they teach Hindi in their schools. We can't converse much because they can't speak too much English, nor can we do. And you know, other parts of the Caribbean, Martinique and Guadeloupe, they speak French. We got a group of Indians there, and I wish that we could get some Arya Samajis from Pondicherry to go there and teach them in French, you know, start an Arya Samaj there. So in Suriname, they were much brighter, and they had like 12 schools. Let me just quickly go the names. Some of the names: Swami Virjananda School, Pandit Tilakdhari School, Ram Narayan Khalidin School,
Swami Dayananda school, and there was one by, yes, Virjananda. So we, through the schools, kept our history alive, the history of Arya Samaj and its arrival. And the DAV versus the Gurukul system would manifest in New York and Guyana under the tireless strivings and focused vision of Acharya Satish Prakash, who is with us here today. He's the Acharya of the Maharishi Dayananda Gurukul in Jamaica, Queens. It is also known as the Rishi Dayananda Institute of Vedic Studies, and it operates as a mandir and a teaching institution with day students who go during the day. For over 15 years, it has taught Sanskrit, Hindi, Hindi literature, philosophy, samskaras, and more to its students. It is a shining light of Adi Samaj in the Western world. It's a shining light. And this Gurukul seeded the present Guyana Gurukul. So Guyana now has a Gurukul that was opened in 2022, and it has a DAV model that also has some high school students, but the focus now is on training our missionaries, giving a Vedic education. It's never happened before. And I can attest to the history of this Gurukul marvel, being born from the intense blazing agni of the yajna performed by Acharya Satish Prakash. I can attest to that. If only for this, I would like to recommend that the government of India institute an award for India's soft power in the indentured Indian diaspora. We need India to recognize us. We need you to you know, give awards to us also in the indentured diaspora, not the rich elite educated diaspora. Jo abhi gaya bahar mein. We are the oldest, and you don't know us. So I'm proposing that, and I propose that Acharya Satish Prakash be the first recipient of that award. And as I end, I want to say, if we are having resolutions at the end of this conference, I would like us to think of passing a resolution asking for the photo of Maharishi Dayananda Ji to be included in the gallery around the city. Thank you. Namaste. Thank you so much, Doctor. You can sit down. You have shown us that the legacy of Dayananda is not limited to India, but it is all over the world. And you have also highlighted the plight of the indentured diaspora in the Caribbean. I still remember I had a chance to visit West Indies in 1999, and we were so touched. We were taken to a temple and we were worshipped like we have come from some Devaloka or something. Which was, country is that? That was West Trinidad and Tobago. Yeah. I went there in 1999 for the International Vedanta Congress. Invitation nahi mila. Ab to Rama Rao Pappu organized karte hain. That was the conference. So any comments on this very informative, very touching, and very, very emotional speech? 2018 के सम्मेलन में वेस्ट इंडीज की कन्याओं ने वेदपाठ के मूल ऑन कर लीजिए. मूल वेस्ट इंडीज की कन्याओं ने हमारे दिल्ली के आर्य महा सम्मेलन में वेदपाठ किया. भारत के तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी आश्चर्यचकित हो गए. पूरा मूल वेस्ट इंडीज कन्याएं थी, मतलब इंडियन नहीं थे वो. मूल वहाँ के जो जाके बसे वो वही की कन्याओं ने वेदपाठ किया. साउथ अफ्रीका का बहुत उसका प्रभाव पड़ा कि आप लोग वहां जो गाय कर रहे हैं. मैं क्या वहाँ हमारा जो ओरिजिन वेस्ट इंडीज है, वहाँ के जो ओरिजिन है उनके साथ कोई समाज में कॉलोकेट होता है. He's asking about the original inhabitants of. Oh, they're called Amerindians, and Guyana has a lot of them. Those were the original people. Oh, that was Modi ji speaking. ये ये हमारी जी जी कृष्णा ने भी है ना, वो यहाँ काम करते हैं पर उनको उनकी कंट्री का बैकअप रहता है. जी वो वहां से फाइनेंस भेजते हैं, सब फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं सरकार के ऊपर.
दबाव डालते हैं, हमारे यहाँ है नहीं, इस प्रकार से काम कर रहे हैं, मैडम काम कर रहे हैं, पर न तो हमारा संगठन उनके पीछे खड़ा है, न हम कोई सरकारी प्रेशर उनको प्राप्त कर सकते हैं। कितना प्रयास नशी जाना लोग ये सब आपके प्रयासों से पूरा हुआ है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल हो रहा है, इंडिविजुअल। I always tell him he's the Rishi of the Western world. He doesn't agree. We are so glad to have you amongst us. Anything, Professor Mehta? उसके संदर्भ में एक बड़ा प्रश्न आपके सामने रखना चाहूंगा। कई काफी समय से कम 10 साल से मैं मेरे मन में ये प्रश्न है कि आर्य समाज की इतनी भूमिका, इतनी अहम प्रमुख भूमिका रही है स्वतंत्रता आंदोलन में, इतने सारे लोगों को तैयार किया, लेकिन अब स्वाधीनता के बाद में ऐसा लगता है कि पूजा चली गई और किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न पे आर्य समाज का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, कि इतने सारे धर्म गुरु उन सब की इतनी बड़ी बड़ी सोशल मीडिया पे या दुनिया भर में हॉलीवुड में बॉलीवुड में सब जगह फॉलोइंग है, लेकिन कोई भी आर्य समाज ही आपको दूर दूर तक नहीं दिखाई, जबकि कहना चाहिए कि आध्यात्मिक बल आर्य समाज के पास, लेकिन लोकप्रियता दूर चली गई। अब ये क्यों है मैं नहीं जानता, आप लोग शायद इस पर रोशनी डाल सकते हैं। opportunity for us to rethink the entrance of our movement. And this is a on a very happy note, I can commit that in these celebrations, the two streams of Arya Samaj, which got separated way back in last decade of the last century, they have now come together. What streams? DAV and Gurukula. We now hope that this joining of two streams will answer your questions in the near future. In fact, with the joining of उसको ऑफ कर दीजिए। एक्चुअली क्या हुआ है कि आर्य समाज ने जो सामाजिक सेवा की उसका लाभ समाज के बहुत सारे लोगों ने लिया, जिन्होंने लाभ लिया उन्होंने आर्य समाज की केयर नहीं की। yes. और आर्य समाज में ऐसी कोई पॉलिसी थी नहीं कि हमसे आप लाभ ले गए हैं तो हमको उसका रिटर्न दे दो। ये जो है ना पॉलिसी, उसी के कारण से ये सब कोलैप्स हो गया। आप कल्पना कीजिए अपने गुजरात में आर्य कन्या गुरुकुल बड़ौदा, आर्य कन्या गुरुकुल पोरबंदर, गुरुकुल सुपा, गुरुकुल सोनगढ़, ये 100-100 वर्ष पुरानी संस्था है, इनमें पढ़ने वाले लोग लाखों लोग हुए और उसमें से 50% लोग ऐसे थे जिनके घर में खाने पीने को नहीं था, जिनका सोशल रिकॉग्नाइजेशन नहीं था, ऐसे लोगों को आर्य समाज ने पढ़ा करके तैयार किया, वेल एस्टैब्लिश किया, पर वो बस चिड़िया घोंसले में रही, तब तक खाया पिया, फिर उड़ गई तो वो गई। उन्होंने कभी भी इन संस्थाओं को स्टेबल करने के लिए, आज भी वही सफर कर रहे हैं। हमारा इंटरनल हमारी इंटरनल बीमारी भी है, वो हम उजागर नहीं कर रहे हैं। पर ये लेजी हो चुके हैं, गवर्नमेंट स्टेज में है, पहले लेट हिम फिनिश फर्स्ट वन बाय वन। तो वो ये एक्चुअली पूरे हम पूरे व्यू से देखें तो ये है, जैसे मैं गुरुकुल में पढ़ा, गुरुकुल ने मेरे को संस्कृत दी, मेरा कर्तव्य है कि मैं गुरुकुल को कुछ ना कुछ रिटर्न दूं, वो गुरुकुल मेरे से मांगे कि ना मांगे अलग वस्तु है। तो आर्य समाज ने जिन सोसाइटी की जो सेवा की, सोसाइटी ने उसको रिटर्न नहीं दिया,
और फिर धीरे धीरे सब लोग भूल गए कि बस ये तो ऐसा होटल है कि खाने के लिए जाओ आप, आपको पे भी कुछ देना नहीं है और घर चले जाओ। होटल वालों का जो होना धर्मशाला से दो पक्ष होते हैं, जैसे जैसे आप विश्वविद्यालय भी देखिए तो उनके अनुदान होते हैं, स्नातक होते हैं, तो दोनों तरफ का कर्तव्य है। आप एक बार वो निकल गए उनको का मंडन करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए उनको बुलाएंगे। आप एनुअल डे में आएंगे, ये करिए वो करिए, हमारे नेतृत्व का संकट है। हाँ तो वो इसके बारे में चर्चा करिए। नहीं लेकिन केवल अगर हाँ आपका प्लीज कंप्लीट, बस ये है, इसके बारे में एक सेशन करके सोचते हैं। मुझे लगता है केवल नेतृत्व का संकट नहीं है, हमारा अपना संकट है। हमें खुद उसको आत्म अन्वेषण करना है और जो जो कमियां हम सब जानते हैं क्या कमियां हैं, तो हमें उनसे ऊपर उठना है। बस दूसरे को हम नहीं उठा सकते, उसे सहारा दे सकते हैं, वो भी तब पहले हम खुद उससे ऊपर उठें। तो अब मैंने तो ये कोशिश की थी कि ये जो ज्वाइनिंग हुई है, मैंने इस सम्मेलन में डीएवी के अध्यक्ष जी को बुलाया था और गुरुकुल कांगड़ी के चांसलर भी आ रहे हैं, वाइस चांसलर आ चुके हैं, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति भी आने वाले हैं। तो इन दोनों धाराओं का जो सम्मेलन हुआ है उससे आर्य समाज की शक्ति बढ़ेगी। और मैंने जैसा बताया था कल कि केवल 3 वर्ष मैंने गुरुकुल में पढ़ाई की, लेकिन मेरे परिवार पर आर्य समाज का प्रभाव था। और कई लोग जैसा आप कह रहे हैं कि जब वो कहीं पहुंच जाते हैं तो वो आर्य समाज को नीचे से खिसका देते हैं, लेकिन मैंने ये प्रयास किया। और हमेशा मैं मंच से बोलती हूँ, मन से बोलती हूँ कि जो कुछ भी पाया वो इसीलिए पाया, तो इसलिए उसको हम किस तरह रिपे कर सकते हैं, तो ये हमारी अपनी चेष्टा होनी। तो हम अपने अपने स्तर पर यदि प्रयास करें तो, और यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब ये तपस्वी लोग हैं, इन्होंने जीवन खपा दिए इस साधना में, चाहे वो वेदपाल जी हों, ज्वलंत जी हों, सुद्युम्न जी हों, जी बिल्कुल। और आप अभी हमने जिनको सुना, इंद्राणी जी को, कि वहां रहकर भी उनके मन में जो तड़प है और जो लगन है भारत के लिए, भारतीयता के लिए और आर्य समाज के लिए। सतीश प्रकाश जी, अभी हमने उनका उद्बोधन नहीं सुना, लेकिन उनका जितना परिचय आपके माध्यम से पाया, तो हमें इन सब से प्रेरणा लेते हुए अपने अपने स्तर पर, तो हम जैसे चोकसी जी ने अभी कहा, तो हम अपने स्तर पर प्रयास करें और उससे जरूर वो जो एक किसी धर्म संगठन ने चलाया था, हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, तो ये मुझे लगता बहुत जरूरी है। और बहुत बहुत धन्यवाद है प्रोफेसर मेहता का। देखिए उनका कोई बैकिंग नहीं है आर्य समाज का, लेकिन वो तीनों दिन और ध्यान से सुन रहे हैं एक एक वक्तव्य को, इतने व्यस्त हैं ये आप नहीं जानते, मैं जानती हूँ बहुत व्यस्त हैं, लेकिन उन्होंने ये कमिटमेंट किया था और वो तीनों दिन लगातार सुबह से शाम तक हमारे साथ हैं। तो हमें बहुत प्रसन्नता है कि वो थोड़ा थोड़ा जानते थे आर्य समाज के बारे में और जानना चाहते हैं, और मुझे लगता है यहाँ बैठकर उन्हें कई पक्षों पर जानकारी मिल रही है और इसका आगे वो किस रूप में इसे ले जाने में सहयोग करेंगे ये हम नहीं जानते, भविष्य बताएगा। प्रोफेसर जी, अंत में कोई रेजोल्यूशन के लिए समय मिलेगा? अंत में आप तैयार कीजिए परस्पर सलाह करके कोई रेजोल्यूशन, तो चर्चा के लिए शायद ना मिले, लेकिन परस्पर यू जस्ट टॉक टू अदर्स एंड यू कैन प्रिपेयर। एक उन्होंने जो सुझाव दिया, एक तो कि वहाँ कोई गैलरी में चित्र होना चाहिए, और कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशंस हो आप इनकॉर्पोरेट कर लीजिए आपस में करके, प्रोफेसर मेहता से कंसल्ट करते हुए उसको तैयार कर लीजिए, वी कैन प्रेजेंट दैट आगे। और ये जो आप में से कई लोग उस कमिटी के भी मेंबर्स हैं जो बनाई गई है हाई पावर्ड कमिटी, तो उसको भी हम इसमें रेफर करते हुए भेज सकते हैं। सत्यपाल सिंह जी आएंगे कल, वो आ चुके हैं यहाँ पर, तो उनके थ्रू हम भेज सकते हैं सरकार के पास भी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लंच के लिए यहाँ से डिस्पर्स करते हैं, 2 बजे फिर यहाँ पर
जितनी जल्दी आएंगे, क्योंकि अभी पीछे 6-7 स्पीकर्स हैं हमारे पास और सबके पास सूचनाओं की और ज्ञान की खान है। मैंने ज्यादा अतिक्रमण किया आपका बहुत बिल्कुल अगर आप भी सुनते हैं नहीं, और आपका सहारा ये आपके कंठस्थ है, कमाल है बिल्कुल। आपका तो लगता है कि पता नहीं बैठ के दिनों दिन सुनते रहे। नहीं कोई बात नहीं, कोई आपने हमने बस केवल प्रश्न उत्तर नहीं दिया और कोई वो बता रहे।